अब देखते हैं, मैं आपके सामने जो स्पीच राइटिंग का टॉपिक आज चर्चा पे लेके आ रहा हूँ, बिल्कुल आप उसको ध्यान से आप उसको देखें और समझें तो ये बहुत ईजी है। सबसे पहले तो मैंने आपको ये बता दिया कि ये 7 मार्क्स का टॉपिक है और बहुत इंपॉर्टेंट है, और हमें इसमें 7 में से कम 6.5 एंड अगर चाहे तो फुल 7 मार्क्स भी हम गेन कर सकते हैं। लेकिन किसी भी राइटिंग टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं हमेशा बताता हूँ कि उसके कुछ रूल्स होते हैं, कुछ एक कॉन्सेप्ट होता है, तो रूल्स पे चर्चा करेंगे। जब स्पीच राइटिंग आप जब भी स्पीच राइटिंग लिखते हैं तो उसमें ध्यान देने योग्य बातें क्या है, आपका आपका जो स्पीच है, जो आपने राइटिंग स्पीच जो राइटिंग किया है वो कितना ज़्यादा इम्पैक्टिव होना चाहिए, कितना ज़्यादा इन्फ्लुएंसिव होना चाहिए, इम्प्रेसिव होना चाहिए, उसके लिए क्या होता है कि हमें एक छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है। तो आप देख सकते हो छोटी छोटी बातें क्या है, रूल्स ऑफ स्पीच। रूल्स ऑफ स्पीच पहला जो इसका रूल है, एक्सप्लेन योर टॉपिक इन डिटेल। आपका जो टॉपिक है ना वो बिल्कुल आप अपने शब्दों में उसे बकायदा डिटेल वाइज उसे बताइए, उसकी डिटेल इतनी अच्छी होनी चाहिए कि आपका कोई भी टॉपिक है, टॉपिक तो किसी भी आ सकता है, वो टॉपिक आपका डिटेल वाइज होना चाहिए। आप उस पर जो चर्चा बता रहे हैं वो बिल्कुल चर्चा एकदम प्रॉम्प्ट होनी चाहिए, रिलीवेंट होनी चाहिए। फिर है फोकस ऑन मेन आइडिया, आप उसमें जो विचार दे रहे हैं तो आपका जो फोकस होना चाहिए ना उस आइडिया को लेके होना चाहिए, वो जो आपका विचार है उस पर आपका फोकस ज़्यादा होना चाहिए, जिससे आप चाहे सॉल्यूशन बता रहे हो या क्वेश्चन कर रहे हो लेकिन वो आइडिया इंपॉर्टेंट है। फिर है डोंट यूज मैनी आइडियाज, आप जब भी स्पीच राइटिंग करें उसमें आप ज्यादा से ज्यादा विचारों को इंक्लूड ना करें, इससे क्या होता है एक इल्यूजन की स्थिति आ जाती है, एक कहने ना कि भ्रम की स्थिति आ जाती है, ज्यादा से ज्यादा आइडिया नहीं, ऐसा नहीं कि आप विचारों की पूरी श्रृंखला ही खड़ी कर रहे हैं, वो नहीं, आपके आइडिया जो होने चाहिए कि वो एक निश्चित रूप से एक विचार है कि एक ऐसा विचार जो आप देना चाहते हैं उसके संबंध में, कि मेरा विचार है कि ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए। अब आप ये बताओ कि नहीं मेरे विचार से तो ऐसा भी हो सकता है, फिर वैसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, वो नहीं, इससे क्या भ्रम की स्थिति हो जाती है, तो ये आपका जो इन्फ्लुएंस जो होता है वो कम हो जाएगा। तो इसका आप विशेष ध्यान रखें, जो चौथा नियम है, सॉरी जो तीसरा नियम है। फिर डी, यूज कोटेशंस एंड पॉप्स, मेरे कहने का मतलब है आप ज्यादा से ज्यादा इसमें ऐसे कोटेशन लाइंस यूज कीजिए स्पीच में, या प्रॉप्स कुछ ऐसे तरीके का, जैसे किसी भी टॉपिक पे आप राइटिंग कर रहे हैं तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि इस संबंध में कहा गया है, तो आप कोई अच्छा कोटेशन यूज करें, प्रॉप्स यूज करें, जिससे आपका जो सेंटेंस बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंसिव हो जाए, उसमें एक ना टेक्निकल उसमें बड़ा एक इम्पेक्टिव आ जाए, ठीक है। उसके बाद देख सकते हैं रिलीवेंट आइडिया, आप जो आइडिया दे रहे हो वो रिलीवेंट होना चाहिए, आप जो जिस पे अपना विचार दे रहे हो, जो आइडिया बता रहे हो, तरीका बता रहे हो कि नहीं नहीं ऐसा नहीं ऐसा भी अगर हम करें तो इस तरीके से इन चीज़ों पे काबू पाया जा सकता है, तो आपने जो आइडिया दिया वो आइडिया बड़ा रिलीवेंट होना चाहिए। यूज कॉन्क्रीट वर्ड्स, आप कुछ ऐसे वर्ड्स यूज करें जो मैं आपको आगे बताऊंगा, जो मोस्टली ऐसे वर्ड्स में बहुत ज़्यादा इम्पेक्टिव रखते हैं, बहुत ज़्यादा उनका ध्यान रखना होता है और वो वर्ड्स बड़े इम्पैक्टफुल होते हैं। आप ऐसा नहीं कि बिल्कुल ऐसे इतने भी हल्के सब वर्ड यूज मत करो, जिन वर्ड्स का मीनिंग मतलब साधारणतया कहते हैं एकदम से असमंजस की स्थिति में डाल, आप ऐसे वर्ड्स यूज करो जिसका एक ऐसा वो कहते हैं ना सर्वसार्थक वर्ड मीनिंग निकलना चाहिए। फिर होता है राइट एज यू टॉकिंग टू द ऑडियंस, आप इस तरीके से लिखें जैसे कि आप वास्तव में ऑडियंस से टॉक कर रहे हैं, आपके लिखने का तरीका ऐसा होना चाहिए कि ऐसा जो आपका एग्जामिनर है वो जब आपका स्पीच पढ़े तो उसे ऐसा लगना चाहिए कि वास्तव में आप बच्चों से आप किसी बड़ी ऑडियंस से टॉक कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे वास्तव में लिख नहीं रहा है कि टॉक कर रहा है ऑडियंस, है ना। और जो हमारा लास्ट जो पॉइंट है वो क्या है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, राइट क्वेश्चन एंड गिव सॉल्यूशन, है ना, जो हमारा ये टॉपिक है राइट क्वेश्चन एंड गिव सॉल्यूशन, मतलब क्या है स्पीच में जिस किसी टॉपिक पे आप स्पीच लिख रहे हैं, देखिए क्या होता है ना स्पीच भी अलग अलग तरीके के टॉपिक पे लिखे जाते हैं, ऐसा नहीं कि स्पीच का एक ही तरीका है, एक ही टॉपिक पे इश्यू बोलना एक ही टॉपिक होता है जिसपे आप स्पीच को मतलब अच्छे से इंट्रोडक्शन के साथ आप उसको बोलते हो, ऐसा भी नहीं, अलग अलग टॉपिक पे स्पीच राइटिंग होता है। अब देखो कोई टॉपिक ऐसा होता है जिसमें वास्तव में सोशल इश्यूज होते हैं या इंटरनेशनल या नेशनल इश्यूज होते हैं, अब ऐसे टॉपिक पे आप देख सकते हैं ना कि ऐसे टॉपिक में आपको क्वेश्चन राइज करना है और उसका सॉल्यूशन भी बताना है, क्योंकि जो सोशल इश्यू है उसमें आपको पहले तो ऐसा उसका कारण बताना है ऐसा क्यों है, और है तो उसका सॉल्यूशन क्या है, तो ये सोशल इश्यू एंड
नेशनल और इंटरनेशनल इश्यूज पे जब आप राइटिंग करेंगे स्पीच में, तो उसमें आप ये जो आपका पॉइंट है बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये होगा जो लास्ट वाला, ये उसके हिसाब से लिखा गया है, उसके हिसाब से मैंने आपको लिखा है कि ऐसे जो टॉपिक जो सोशल इश्यूज पे स्पीच राइटिंग की जाए या नेशनल और इंटरनेशनल इश्यूज पे की जाए, उस पर आप कई क्वेश्चन को खड़े करिए और उसका वापस सॉल्यूशन बताइए। ये बहुत अच्छा रहता है, ये सोशल और इंटरनेशनल इश्यूज पे आपका जो स्पीच राइटिंग बड़ा इम्पेक्टिव हो जाता है। अब मैं आपको आगे जो अगली चर्चा करूंगा, मेरा जो पॉइंट टू है, अगली जिस पर मैं चर्चा करूंगा वो है कि जो स्पीच राइटिंग है, ये स्पीच राइटिंग किन किन टॉपिक पे ज्यादातर हमारे बोर्ड एग्जाम्स में आती है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। स्पीच राइटिंग किसी एक टॉपिक पे नहीं आती है कि बस आपने अच्छा सा इंट्रोडक्शन कर दिया, वेलकम कर लिया, आपने अपने आप को बता दिया मैं इस क्लास का स्टूडेंट हूँ और आज हमारे स्कूल में बड़ी खुशी का दिन है और ये है, ये कार्यक्रम होंगे, ये नहीं, जरूरी नहीं है कि वो एक टॉपिक पे आए। वो लगभग तीन टॉपिक ऐसे हैं जो कि सर्वविदित टॉपिक है, मतलब वो ऐसे टॉपिक है जो जनरल टॉपिक है लेकिन वो तीन भागों में है, और उन तीन टॉपिक में से किसी भी एक टॉपिक पे आपको स्पीच राइटिंग का मौका मिल सकता है या बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं उन तीन टॉपिक में से किसी भी एक टॉपिक पे। तो तीन टॉपिक कौन से है पहले मैं आपको वो बताना चाहूंगा। आप देखिए पहला है ऑन वेलकमिंग, पहला है ऑन वेलकमिंग। ऑन वेलकमिंग का मतलब ये है कि आपका कई टॉपिक ऐसे होते हैं जिसपे आप देखें कि एक तरह का सेलिब्रेशन होता है। अब आपको भी पता है सेलिब्रेशन तो कई चीजों पर होता है। अब इस जैसे स्कूल के अंदर हम देखते हैं कि कोई कार्यक्रम होता है रिपब्लिक डे है ना, या फिर होता है इंडिपेंडेंस डे है ना, या फिर होता है फेयरवेल डे, या होता है टीचर्स डे, और भी कई सारे ऐसे जो सेलिब्रेशन जुड़े हुए फेस्टिवल्स भी होते हैं है ना, या कई तरह के अच्छे फेस्टिवल्स, या कई आप देख सकते हैं कि जो स्कूल लेवल पे विद्यालय स्तर पे कई ऐसे कार्यक्रम होते हैं जो वेलकमिंग कार्यक्रम है, बहुत वेलकमिंग होता है। आप देख सकते हैं कि उसमें चीफ गेस्ट का वेलकम करते हैं, फिर उसमें वेलकमिंग सॉन्ग भी होते हैं, फिर डांसेस भी होते हैं, फिर उसमें इमोशनल चीज़ें भी होती है, फिर रिवॉर्डिंग भी होता है, सब होता है। तो ये वेलकमिंग स्पीच पे चला जाता है, तो उसको वेलकमिंग स्पीच के हिसाब से लिखा जाएगा, बिल्कुल उसके लिए कुछ अलग कोटेशन अलग लाइन यूज करनी पड़ेगी और इसको उस तरीके से लिखा जाएगा कि वो बिल्कुल आपका एक अच्छा मनोरंजन वाला स्पीच है और जिसपे आपने बकायदा मनोरंजन से हिसाब से वेलकमिंग के हिसाब से लिखा गया। और दूसरा जिस टॉपिक पे स्पीच आता है वो दूसरा टॉपिक है सोशल इश्यू। अब सोशल इश्यू पे आप राइटिंग कर रहे हैं तो सोशल इश्यू कुछ मैं आपके सामने बताना चाहूंगा, जैसे कि करप्शन, भ्रष्टाचार, चाइल्ड लेबर, बाल मजदूरी, फिर है बैड मैनर्स, बुरा व्यवहार या बुरा तौर तरीका, और फिर ड्रिंक एंड ड्राइव यानी नशे के साथ ड्राइव करना, ये सोशल इश्यू है। आप देख सकते हैं आज के वर्तमान समाज में ऐसे इश्यूज भी बढ़ते जा रहे हैं है ना, डकैती, लूट, फिर उसके साथ साथ ये चाइल्ड लेबर, फिर उसके साथ करप्शन, बुरा व्यवहार, ऐसे ये सारे सोशल इश्यू है। तो इस पर भी स्पीच राइटिंग हमें करना होता है, हालांकि इससे जुड़ा हुआ जो क्वेश्चन आएगा तो उस पर अगर हम इस पर जब लिखेंगे तो ये वेलकमिंग में नहीं है, ये सोशल इश्यू पे, इसमें आप किसी का वेलकम नहीं कर रहे हैं, इसमें आप सब ये जो उस इश्यू पे आप अच्छे से बॉडी लाइन के हिसाब से उस इश्यू पे चर्चा करेंगे, उसमें क्वेश्चन खड़े करेंगे और उसका सॉल्यूशन बताएंगे, उसका नुकसान बताएंगे कि ये हमारे समाज के लिए कितना बुरा है। तो ये बिल्कुल है तो स्पीच राइटिंग लेकिन इसका टॉपिक विषय बदल गया, इसका विषय बदल गया। और तीसरा जो टॉपिक है जिसको मैं बताना चाहूंगा जिसपे स्पीच राइटिंग से जुड़ा हुआ क्वेश्चन आता है, वो जो तीसरा टॉपिक वो है नेशनल एंड इंटरनेशनल इश्यू, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय मुद्दे। तो देखो ऐसा नहीं है, अब आप जब स्पीच कर रहे हो, अब स्पीच राइटिंग जनरली आप सोचिए आप स्पीच कहीं पर खड़े होकर भी बोल रहे हैं है ना, तो आप ये देखिए कि आप स्पीच ऐसा था नहीं कि घर से लिख के लेके आ गए और आप सीधा बोल गए। स्पीच उस तरह का होगा जो आप बोलने के रूप में बोलेंगे, वो स्पीच वहां के हालात, माहौल और टॉपिक तो विषय है उसको देखते हुए आप स्पीच बोलोगे। ऐसा नहीं है कि आपने स्कूल का जो स्पीच है इंडिपेंडेंस डे या रिपब्लिक डे या किसी फेस्टिवल का स्पीच की जो लाइन है वो आप यहाँ पे बोल रहे हो है ना, स्पीच का मतलब क्या होता है भाषण, लेकिन यहाँ पे राइटिंग में ले रहे हैं। तो बिल्कुल आप उसको इस तरीके से सोचिए कि अगर बोलने की जगह पे भी अगर हम वही बोलेंगे जहाँ पे वो बोलने का टॉपिक है, अगर इंडिपेंडेंस डे का टॉपिक अगर आप यहाँ आके उस लाइन्स को यहाँ बोलोगे तो वो मिसमैच हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। अब ये नेशनल और इंटरनेशनल इश्यू कौन कौन से हैं, आप देखिए टेररिज्म बिल्कुल एक इंटरनेशनल इश्यू है, नेशनल इश्यू है, फिर इकोनॉमिक इश्यू,
आर्थिक मुद्दे, आपको पता है पूरी दुनिया में इकोनॉमिक क्राइसिस हो रहे हैं, अभी जैसा कि कोरोना फैल चुका है तो उसमें कितना क्राइसिस हो रहा है इकोनॉमिकली। फिर फूड सिक्योरिटी, अब देख सकते हैं दुनिया में कई ऐसे गरीब देश हैं जहाँ पर फूड्स को लेकर बड़ी इनसिक्योरिटी है, वहाँ पे कई प्रतिशत गरीब बच्चे अच्छा खाना उनको नहीं मिल पाता। फिर होता है क्लाइमेट चेंज, वातावरण में परिवर्तन होता है ना, वातावरण परिवर्तन क्लाइमेट चेंज भी एक इंटरनेशनल इश्यू है। फिर आप देख सकते हैं जेंडर इक्वलिटी, यानी कि समानता है ना, कई ऐसे जगह पे आप नेशनल या नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे देखें ना तो आप देख सकते हैं कि लिंग भेद होता है, रंग भेद होता है। बिल्कुल अभी आपने हालिया जो हमारे अमेरिका के एक टॉपिक पे अभी आपने देखा होगा, वहाँ पे एक ब्राइडन करके जिसकी हत्या हो गई और जिसपे काफ़ी कुछ नस्ल भेद को लेके काफ़ी हुआ, रंग भेद पे हुआ है ना, या महिला और पुरुष में, हमारे देश में महिला और पुरुष की समानता को लेके भी बहुत से इश्यू है, तो ये भी नेशनल इंटरनेशनल इश्यू है। फिर अनएम्प्लॉयमेंट यानी बेरोजगारी, ये भी एक इश्यू है, काफ़ी देशों में आप देखो कई ऐसे क्राइसिस होते हैं बेरोजगारी एकदम से बढ़ जाती है। और फिर आप देखते हैं ग्लोबल इश्यू, पूरा वैश्वीकरण के रूप में देखा जाए तो कई तरह के मुद्दे हैं। तो ये देखो मैंने आपके सामने बताया कि स्पीच राइटिंग जो मुख्य तीन टॉपिक पे इसके जुड़े हुए क्वेश्चन आते हैं, पहला है अनवेलकमिंग, दूसरा आप देख सकते हैं सोशल इश्यू, एंड तीसरा है नेशनल और इंटरनेशनल इश्यू। अब आगे हम देखेंगे कि स्पीच राइटिंग को कितने पार्ट्स में बांटा जाता है, मतलब इसको स्टार्ट कैसे करें और इसका मिडिल बॉडी क्या होनी चाहिए और इसका कंक्लूजन क्या होना चाहिए, यानी कि स्पीच राइटिंग को लिखते समय हमें उसे कितने पैराग्राफ में उसको बांटना है और किस तरीके से शुरुआत करनी है, बीच के अंदर हमें जो उसकी बॉडी है उसको कैसे तैयार करना है और लास्ट में कंक्लूजन कैसे तैयार करना है, तो इनको हम पार्ट्स को समझेंगे। अभी जस्ट आगे आप देखिए स्पीच राइटिंग, अभी जैसा कि हमने जस्ट अभी थोड़ी देर पहले हमने क्या देखा कि किसी भी स्पीच राइटिंग के जो कॉन्सेप्ट है, रूल्स है, वो क्या होते हैं और उसको स्पीच राइटिंग कितने पार्ट्स में बटा हुआ होता है, तीन पार्ट्स में। अब आगे हम जो अगली महत्वपूर्ण चीज देखने जा रहे हैं वो ये है कि जो स्पीच राइटिंग है, द पार्ट्स ऑफ स्पीच राइटिंग, तो स्पीच राइटिंग के जो मुख्य पार्ट्स होते हैं, मतलब आप जैसे स्पीच राइटिंग को जब आप लिखना शुरू करते हैं तो लिखने के दौरान उसको किस तरह आपको पार्ट्स में डिवाइड करके उसको लिखना है। ऐसा नहीं कि आपने पेन कलम उठाया और कुछ भी यहाँ से शुरू किया यहाँ खत्म कर दिया, सात आठ लाइन में यहाँ से शुरू किया, किसी निबंध की तरह या ऐसे राइटिंग की तरह नहीं, ऐसे राइटिंग की तरह आपको नहीं करना है, बिल्कुल एक तो प्रॉपर तरीके से चलना है क्योंकि आप स्पीच राइटिंग कर रहे हैं ना, ये किसी टॉपिक पर कर रहे हैं, तो आप स्पीच राइटिंग आपको ध्यान नहीं देना है, इसके जो पार्ट्स हैं उस पार्ट्स को आप बिल्कुल क्रम से फॉलो करें। सबसे पहला जो काम जो आपको करना है वो ये करना है कि सबसे पहले आपको एक फ्रेश पेज, आप क्योंकि आप बोर्ड एग्जाम्स दे रहे हैं और बोर्ड एग्जाम्स का एक स्टैंडर्ड है, तो उस स्टैंडर्ड के को देखते हुए जैसे जब भी ऐसे टॉपिक आते हैं तो आप एकदम एक फ्रेश पेज से इसको शुरू करिए। ऐसा नहीं कि हाफ पेज से आपको उसको शुरू नहीं करना है, इससे आपका राइटिंग का इम्पैक्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहेगा। अब एक फ्रेश पेज से शुरू करें और सबसे पहले आप क्या करेंगे, सेंटेंस में आपको हेडिंग लगानी है, क्योंकि कई बार अक्सर ऐसे भी स्पीच पे क्वेश्चन आते हैं जिसमें हेडिंग स्पष्ट रूप से क्लियरली हेडिंग दी नहीं रहती, आपको हेडिंग बढ़ानी भी पड़ती है, ऐसा होता है। और कई बार हेडिंग दी रहती है, मतलब टॉपिक दिया रहता है तो आप बिल्कुल वो टॉपिक लिख दीजिए, और कई बार नहीं है तो आपको बढ़ाना भी पड़ता है। तो आप सबसे पहले वो हेडिंग आप सेंटर में लिख दीजिए, क्या कर दीजिए, बिल्कुल सेंटर में वो हेडिंग लगा दीजिए, बिल्कुल कैपिटल वर्ड्स में, ओके। ये पहला काम आपको बहुत अच्छे से करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, कम से कम आपको एक लाइन का गैप रखना है, कितना, एक लाइन का आपको गैप रखना है ताकि वो हेडिंग और जो आपका जो इंट्रोडक्शन है वो मिसमैच नहीं हो जाए, ओके। अब उसके बाद आपको क्या करना है, जो अगला जो हमारा इसका जो मेन पार्ट है, जो नंबर वन जो पहला पार्ट है, पैराग्राफ वन या पार्ट वन, वो क्या है, आपका जो पहला जो पार्ट है जिसे हम नॉर्मली बोलेंगे ग्रीटिंग करना, क्या करना, ग्रीटिंग करना यानी अभिवादन करना, ओके। तो इस अभिवादन को अगर हम देखा जाए तो इसको एक अच्छे से सैल्यूटेशन के साथ शुरू करना है, अभिवादन को इंग्लिश में कहा जाता है सैल्यूटेशन, एक अच्छे सैल्यूटेशन से आपको अभिवादन शुरू करना है। नॉर्मली अगर हम स्पीच कहीं बोलते भी है तो ऐसा थोड़ी ना कि हम किसी भी टॉपिक पे सीधा बोलना शुरू कर देते हैं, सबसे पहले वह जो ऑडियंस है उसको हम ग्रीट करते हैं, उसका अभिनंदन करते हैं, उसको सैल्यूटेट करते हैं, सभी जो भी बैठे हुए ऑडियंस में लेडीज है, जेंट्स है, बच्चे हैं जो भी है ना, या वहाँ पे जो चीफ गेस्ट है जो भी, तो उनको सबसे पहले हम
उसके अच्छे से सैल्यूटेशन करते, ग्रीटिंग करते। तो अब बात ये स्पीच में हम बोलने में ग्रीटिंग करते हैं, लेकिन आज उसी स्पीच को हम राइटिंग में ले रहे हैं, यानी लिखना है। तो ऐसा थोड़ी कि लिखने में और बोलने में फर्क आ जाएगा कि बोलने के टाइम ही सिर्फ ग्रीटिंग करना है, लिखने में ग्रीटिंग नहीं है, ऐसा नहीं। आपको बिल्कुल लिखने के दौरान उस ग्रीटिंग लाइन्स को लिखना है। तो उसके लिए मैंने आपको यहाँ पे आपके सामने लिखा है पैरा वन, पार्ट वन, पैराग्राफ वन, और उसमें मैंने जो कुछ पॉइंट्स लिखे हैं उस पॉइंट्स को आप ध्यान से देखिए। सबसे पहला है ग्रीटिंग्स द ग्रीटिंग द ऑडियंस, यानी कि क्या करता है कि जो ऑडियंस है सबसे पहले आप उसको ग्रीटिंग दीजिए, जो भी पूरी ऑडियंस बैठी है, तो आप उसको एक अच्छे वर्ड से शुरू करिए, ऑनरेबल या है ना, ऑनरेबल है या रेस्पेक्टेबल है ना, ऐसा करके आप उसको ग्रीटिंग के साथ आप सबसे पहले ऑडियंस को ग्रीट करिए, यानी आपको एक लाइन उसकी स्टार्टिंग में लिखनी है। ओके, फिर उसके बाद आप देखिए इंट्रोडक्शन, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। अब जो अगली जो मैं अगली जो लाइन है वो क्या बना, पहली लाइन में आपने क्या किया, ऑडियंस को ग्रीट कर लिया है ना, तो दूसरी लाइन जो आपकी पढ़ी उसमें आपको खुद को इंट्रोड्यूस करना है, खुद को मतलब खुद को इंट्रोड्यूस करना है राइटिंग में। आपको ये बताना है आपका नाम क्या है, आप किस क्लास के स्टूडेंट हैं, है ना, वो आपको बताना है, खुद को इंट्रोड्यूस करना है। उसके बाद आप देख सकते हैं इंट्रोड्यूस द टॉपिक, आप जिस टॉपिक पे बोलना चाहते हैं, जिस टॉपिक पे आप लिख रहे हैं उस टॉपिक को आप इंट्रोड्यूस कर लीजिए कि आज आप किस पे बोलना चाहते हैं। जो आपका टॉपिक है क्या वो वेलकमिंग टॉपिक है, या स्कूल लेवल का कोई कार्यक्रम है, अच्छा सेलिब्रेशन है, क्या उस टॉपिक पे आज बोलोगे, बोलोगे मतलब लिखोगे। और दूसरा टॉपिक, क्या आपका टॉपिक सोशल टॉपिक है, तो क्या उस सोशल टॉपिक को आप इंट्रोड्यूस कीजिए। सोशल टॉपिक मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कई सारे हैं। और अगर आप किसी नेशनल और इंटरनेशनल इश्यू के टॉपिक पर बोलना चाहते हैं तो आप उसको इंट्रोड्यूस कीजिए। तो ये अपना इसी पार्ट वन, पैराग्राफ वन में ये हमारा तीसरी लाइन बन जाएगी इसकी, आप देख सकते हैं इंट्रोड्यूस द टॉपिक, है ना, इजी है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें देखो एक ये भी ध्यान रखना है कि बोर्ड एग्जाम्स में जो वर्ड्स लिमिट होती है, शब्दों की जो सीमा होती है वो बहुत मायने रखती है। अब ऐसा नहीं कि उसमें जैसे बोला गया कि 100 वर्ड्स में आपको पूरा स्पीच राइटिंग खत्म कर, और आप लगभग 15 लाइन 20 लाइन या लगभग 2 पेज में उसको खत्म कर रहे हैं, तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहेगा, बिल्कुल भी इफेक्टिव नहीं रहेगा, आपको उसका बहुत ध्यान रखना है। तो इसकी जो वर्ड्स लिमिट है वो लगभग 30 के करीब होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए, 30 के करीब होनी चाहिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद आप क्या करिए, बिल्कुल आपको जहां पे ये आप पहला पैराग्राफ जहाँ खत्म करते हैं, आपका चाहे वो पैराग्राफ हाफ में खत्म हुआ हो या फुल में खत्म हुआ, आप अगला जो दूसरा पैराग्राफ शुरू करोगे वो नई लाइन से शुरू करोगे, गैप नहीं रखना, गैप आपको नहीं रखना है, लेकिन अगली जो लाइन आप शुरू करोगे पैरा टू, पैराग्राफ सेकेंड, उसको आप पहला वर्ड कैपिटल होना चाहिए और बिल्कुल लग जाना चाहिए एग्जामिनर को कि बिल्कुल ही नया पैराग्राफ शुरू हुआ है, इंट्रोडक्शन हो गया है, ग्रीटिंग हो गया है, टॉपिक को इंट्रोड्यूस कर लिया है, अब ये मेन बॉडी पे आ गया। तो इसका जो पार्ट टू है, पैराग्राफ टू है, वो आप देखिए जिसे यहाँ पे नाम दिया गया मिडिल बॉडी, मिडिल बॉडी यानी मध्य भाग, आप देखिए पार्ट टू मध्य भाग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इसकी शब्द सीमा लगभग लगभग 50 शब्दों के आसपास रहती है, 50 से 60 शब्दों के आसपास इसकी शब्द सीमा रहती है, ये मेन इसका पार्ट है। इसको आप ध्यान से देखिए कि इन इस मेन पार्ट्स में आप जिस टॉपिक पे राइटिंग कर रहे हैं उस राइटिंग टॉपिक के किन किन पॉइंट्स को आपको उठाना है, उस पर लिखना है ना, उस पर आपको फैक्ट बताने हैं, डिफरेंसेस बताने हैं, एडवांटेज डिसएडवांटेज बताने हैं, सब कुछ करना है, ये मेन बॉडी मेन पार्ट है ना। तो ये इसके कुछ पॉइंट्स मैं आपके सामने डिस्क्राइब करूंगा, जो है जैसे एलिबरेट द मेन पॉइंट, सबसे पहले आप मुख्य बिंदुओं पे चर्चा के लिए उनको आगे लाइए, मुख्य बिंदु आगे लेके आइए, क्या टॉपिक है, टॉपिक का जो मेन पॉइंट है वो क्या है, क्योंकि टॉपिक को तो आपने इंट्रोड्यूस कर लिया है, अब आप उसको मेन टॉपिक्स की जो बिंदु है, जो उसके मुख्य मुद्दा है वो आप लाइए। अब अच्छा है वेलकमिंग में है तो जरूरी नहीं है वेलकमिंग में आपको एलिबरेट करने की जरूरत नहीं है, वेलकमिंग में क्या आपका टॉपिक बदल जाता है, लेकिन उनमें से किसी पॉइंट को ये पॉइंट आ जाएगा सोशल इंटरनेशनल पे, लेकिन वेलकमिंग है तो उसमें क्या होगा, उसमें आप मतलब एक अच्छी बात के साथ शुरू करेंगे उसमें, ठीक है। अब आ जाते हैं प्रोवाइड सूटेबल एग्जांपल्स, आपको उसी टॉपिक पे अच्छे अच्छे एक या दो लाइन, मैं समझता हूँ एक लाइन या हद से दो लाइन आपको एक एग्जाम्पल बढ़िया देना उस टॉपिक पे, कि उस टॉपिक का एक ऐसा भी उदाहरण देखा गया है वहां पे या यहाँ पे, चाहे अपने देश में या बाहर कहीं पर, ठीक है। उसके बाद आप देखिए कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट,
आप जिस टॉपिक पे, अगर वो टॉपिक आपका वास्तव में देखा जाए सोशल और नेशनल इंटरनेशनल इश्यू पे अगर वो टॉपिक है, तो आप उसमें क्या करते हैं, उसको कंपेयरिंग कीजिए, कंपेयरिंग करके उसके मुख्य बिंदुओं पे चर्चा कीजिए। अब उसको कंपेयर करिए कि हमारे देश में अगर हम देखा जाए तो आर्थिक रूप से हमारे देश में कैसे मजबूत हो सकते हैं। अगर मान लो आपका टॉपिक आ गया इकोनॉमिकल इश्यूज पे, है ना, तो आपने देखा जाए हमारे देश में इकोनॉमिकल इश्यूज शुरू से रहे, लेकिन अगर हम यूरोपियन कंट्रीज में देखें, अमेरिका देखें या दूसरे अन्य कंट्रीज देखें, तो बड़े इकोनॉमिकल बहुत मजबूत है, बहुत स्ट्रांग है। अगर हम मेडिकल फैसिलिटीज में देखें तो हमारे देश में जो मेडिकल फैसिलिटीज है और इटली में जो मेडिकल फैसिलिटीज है, उसमें बहुत फर्क है। तो अब ये ऐसे फर्क को आप बिल्कुल कंपेयरिंग एंड कॉन्ट्रास्टिंग से उस फर्क को दिखा दीजिए, एक एग्जाम्पल दीजिए। अगर वो इश्यू आपका सोशल और नेशनल और इंटरनेशनल इश्यू पे है, तो आप वो फर्क दिखा दीजिए कि हमारे देश में मेडिकल फैसिलिटी जैसी और उस देश में ऐसा है, हमारे देश की इकोनॉमिक क्राइसिस इस तरह से वहाँ पे ऐसा है, हमारे देश में हम किसी चीज़ को खुद से रिप्रोड्यूस करते हैं वो बाहर से मंगवाते हैं, ऐसा किसी टॉपिक पे आप अच्छा एक कंपेयरिंग कीजिए, फिर एक कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वली सिमिलर। अब आप उसमें क्या है, समानता और असमानता पे भी एक क्वेश्चन एक लाइन बढ़ा दीजिए, इक्वली कैसा होना चाहिए और ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद हो जाता है फैक्ट्स, फैक्ट्स यानी वास्तविक तथ्य। अब वास्तविक तथ्य क्या है, वास्तविक तथ्य कि उस घटना के साथ जिस टॉपिक पे आप चर्चा, जिस टॉपिक पे आप लिख रहे हैं, उसका वास्तविक जो तथ्य है, कोई प्रमाण है, कोई अच्छी चीज है, तो वो आप उस पर एक लाइन लिखिए, कोई दिक्कत नहीं। फिर है डिफरेंसेस, डिफरेंसेस आपको ये बताना है कि जिस टॉपिक पे आप चर्चा कर रहे हो उसका लाभ और हानि क्या है, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज क्या है, उस पर आप एक लाइन बना दीजिए, है ना। उसके बाद आप देखिए रिलीवेंट एग्जाम्पल्स, आप उसी से जुड़ा हुआ कोई ऐसा बढ़िया प्रमाणिक उदाहरण दे दीजिए कि ऐसा होने से वहां पे इतना परिवर्तन हो गया, ठीक है। और उसके बाद आप देखिए आस्किंग क्वेश्चन एंड सॉल्यूशन, आप उसी टॉपिक जिस टॉपिक पे आप लिख रहे हैं उस टॉपिक पे आप खुद से एक सवाल बनाइए, मतलब आपने एक सवाल क्वेश्चन खुद से खड़ा कर दिया कि जैसे डीमोनेटाइजेशन, नोटबंदी, तो नोटबंदी क्यों होनी चाहिए, तो नोटबंदी इसलिए हुई इससे, अच्छा उसका सॉल्यूशन ये हुआ, उसका रिजल्ट ये हुआ कि हमारे देश में अगर हम देखा जाए जो काला बाजारी है, जो काला धन है, उस पर प्रतिबंध लग गया, वो पूरा खराब हो गया, वो पूरा सिस्टम, इससे हमारे इकोनॉमी हम मजबूत हो गए। तो ये आप खुद से भी उसमें क्वेश्चन करिए, खुद से भी उसमें जवाब आपको मिलता है और उसको आप उसको उस तरीके से आपको लिखना है। अब यहाँ पे जो मैं आपको मेन बात बताना चाहूंगा वो ये है कि जो मैंने पॉइंट लिखे हैं, मैंने ये पॉइंट कम से कम एच पे लिखे हैं, कितने पॉइंट हो जाते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये 8 पॉइंट है। अब यू जरूरी नहीं है कि 8 के 8 पॉइंट पे आप 8 लाइन बना दो, मेरे कहने का मतलब ये है कि आप 8 पॉइंट में से 8 जो पॉइंट है उन 8 पॉइंट में से आप चाहें तो 4 या 5 पॉइंट पे आपको उस मेन बॉडी को तैयार करना है। मैंने ये 8 पॉइंट इसलिए लिखे हैं क्योंकि आप वेलकमिंग सोशल एंड नेशनल एंड इंटरनेशनल इश्यू, 3 टॉपिक पे जो हमारी स्पीच राइटिंग आता है, तो उस हिसाब से कौन सा इसमें से पॉइंट किस टॉपिक के लिए ज्यादा रिलीवेंट है, ज्यादा सही है, वो पॉइंट आप इसमें से उठा दीजिए, उस पॉइंट को उठा के उस पर आप लाइन बना के उसमें लिख दीजिए। ये ऐसा नहीं है कि आप 8 ही 8 पॉइंट, जरूरी नहीं है कि 8 ही 8 पॉइंट आप वेलकमिंग या सोशल या नेशनल इंटरनेशनल सब में 8 ही 8 पॉइंट में 8 लाइन बना के लिख दो, नहीं, वो उसमें वर्ड्स, आपकी वर्ड्स लिमिट ज्यादा हो जाएगी, फिर वो अननेसेसरी हो जाएगा ना, फिर वो अनरिलीवेंट सा लगता है, वो आपका इम्पैक्ट नहीं रख पाएगा। आपको इसमें से मेन 4 या 5 पॉइंट पे आपको लाइंस क्रिएट करनी है, उसको बनानी है, उसको लिखना है, ठीक है। फिर है पार्ट 3। अब देखिए जैसे इसका जहां पे ये खत्म होगा तो बिल्कुल अब आपको आपको लाइन नहीं छोड़नी, अब आप तीसरा पैराग्राफ शुरू करोगे तो एग्जामिनर को लग जाना चाहिए कि अब मिडिल बॉडी पार्ट इसका पूरा हो चुका है, अब ये एंडिंग पे जा रहा है, पैराग्राफ एंड हो रहा है, तो उसको लग जाना चाहिए क्योंकि जहां पे आप इस पैराग्राफ को खत्म करोगे उसके जस्ट नीचे की जो लाइन है, जो आगे की लाइन शुरू करी, वो पहला वर्ड कैपिटल रखना और नई लाइन से, उसको लग जाएगा बिल्कुल मिडिल पार्ट खत्म हो चुका है, अब ये लास्ट पार्ट है। तो ये लास्ट पार्ट है जो मैं आपको बता दूंगा, कंक्लूजन मतलब सार, आप उस पूरे टॉपिक पे आपने चर्चा कर ली, उसके पूरा आपने एंडिंग बता दिया, अब उसके साथ आप उसको खत्म करने जा रहे हो, उस टॉपिक को खत्म करने जा रहे हो, अब आपका स्पीच खत्म होने की तरफ है। तो पार्ट 3 है, पार्ट 3 में आपको क्या करना है, सबसे पहले जो मैं बता रहा एंडिंग पैराग्राफ, मतलब आपका जो एंड में जो पैराग्राफ में जो लिखे जाने वाली बातें वो है
किया। अगर आपका सोशल इश्यू है तो आप उस हिसाब से उसको बताइए कि ऐसे ऐसे मुद्दों पे अगर इस तरह काम किया जाए तो बिल्कुल हमें सफलता मिलेगी। इस तरह एंडिंग में आपने कर दिया। नेशनल इंटरनेशनल इश्यू पे है तो आप उसमें भी बता सकते हैं कि इस तरह के अगर आइडियाज पे काम किया जाए और इस तरह के एक पूरी राष्ट्र भक्ति एक पैट्रियटिज्म पे देशभक्ति पे देशभक्ति को देखते हुए अगर हम मिलकर अगर इस पे काम करें तो इससे बड़ा रिजल्ट आ सकता है। दूसरे देशों के लिए हम उदाहरण बन सकते हैं कि आपने एंडिंग करेगा वहां पर यूज कर लिया। अब देखो इनके लिए क्या जो लाइन्स है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि आप सबसे पहले जो आपके टॉपिक या लिखे उसको समराइज कर लीजिए, अच्छे से समराइज कर लीजिए, सार कर लीजिए। द मेन पॉइंट आपको जो यहाँ पे जो मेन पॉइंट उठाए हैं यहाँ पे उन्हीं का एक या डेड लाइन में या दो लाइन में उसको समराइज कर लीजिए, बिल्कुल अच्छे से उसको एंड बता दीजिए, ऐसा ऐसा करके ऐसा ऐसा हो जाना चाहिए, ठीक है। और लास्ट में आपको जो एक अलग से लाइन लिखनी है, बिल्कुल अलग से नीचे एकदम अलग से लाइन लिखनी है जिसमें आप ऑडियंस को थैंक्स कर रहे हैं, ऑडियंस का आभार जता रहे हैं, सब्सक्रिप्शन आभार जता रहे हैं, उनका थैंक्स बोल रहे हैं। तो इस तरीके से जो आपकी लास्ट लाइन है वो बिल्कुल इस तरीके से होनी चाहिए। तो आपने देखा मैंने आपके सामने जो स्पीच राइटिंग उसको मैंने तीन भागों में बांटा है, पार्ट वन पार्ट टू एंड पार्ट थ्री। पार्ट वन यानी ग्रीटिंग विद इंट्रोडक्शन, पार्ट टू मिडिल बॉडी एंड पार्ट थ्री कंक्लूजन, पूरा चैप्टर का जो एंड है जो पूरा सार है। तो इसमें जो मैंने पॉइंट दिए हैं उन पॉइंट्स को आधार बना के आप बिल्कुल नो ग्रामेटिकल मिस्टेक, आप बिल्कुल कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं हो, बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ एक कोरेंस कोहेरेंस के साथ सुसंगत वर्ड्स के साथ आप ऐसे तकरीबन 10 से 11 या 12 लाइंस में आप एक अच्छा स्पीच राइटिंग करेंगे। अब आगे हम देखेंगे कि स्पीच राइटिंग के लिए जो एक फॉर्मेट होता है उस फॉर्मेट को बिल्कुल आप फॉलो करेंगे ना तो बिल्कुल आप स्पीच राइटिंग बिल्कुल आपका और अच्छा हो जाएगा, सोने पे सुहागा हो जाएगा। तो आगे हम चर्चा करेंगे स्पीच। अब आगे आप देखिए जो स्पीच राइटिंग है, अब मैं जो आपसे चर्चा करने जा रहा हूँ वो है द फॉर्मेट ऑफ स्पीच राइटिंग। हर राइटिंग सेक्शन का एक फॉर्मेट होता है, विदाउट फॉर्मेट आप किसी भी तरह के राइटिंग सेक्शन को सही तरीके से नहीं लिख पाएंगे, क्योंकि उसका एक फॉर्मेट होना जरूरी है। और उस फॉर्मेट का जो मुख्य जो अट्रैक्शन है वो यही है कि फॉर्मेट आपको एक आधार देता है, आपको एक वो स्ट्रक्चर देता है और उस स्ट्रक्चर से आप उस टॉपिक को बाकायदा एक बिल्कुल प्रॉपर तरीके से उसको इंट्रोड्यूस करेंगे, उसकी बॉडी को आप तैयार करेंगे एंड उसके कंक्लूजन को तैयार करेंगे। अगर आपका इस तरह का स्ट्रक्चर वाइज फॉर्मेट नहीं होगा तो आप राइटिंग सेक्शन को ना तो अच्छे से शुरू कर पाएंगे, ना उसके अच्छे बीच के जो मिडिल पार्ट है उसको भी आप अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे और उसका एंड भी अच्छे से नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इनको डिवाइड करना जरूरी है, फॉर्मेट होना जरूरी है। तो हर राइटिंग सेक्शन का एक फॉर्मेट है, उसी तरह स्पीच राइटिंग जिस पर हम अभी चर्चा कर रहे हैं उसका भी एक फॉर्मेट है और उस फॉर्मेट को मैं आपके सामने अभी इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ। तो फॉर्मेट का जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको जिस तरह से बताया कि जो स्पीच राइटिंग की जो पार्ट है पार्ट वन पार्ट टू एंड पार्ट थ्री, यानी पैराग्राफ वन पैराग्राफ टू एंड पैराग्राफ थ्री, जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको जिस पर हमने चर्चा की। अब क्या होता है कि बिल्कुल उसी पैराग्राफ वन यानी पार्ट वन का जो फॉर्मेट है वो फॉर्मेट क्या है ये तो हमें भी पता है कि हमें स्पीच राइटिंग में सबसे पहले ग्रीटिंग से शुरू करना है, सैल्यूटेशन से शुरू करना है, हमें अभिवादन से शुरू करना है, हमें इंट्रोडक्शन देना है खुद का, उसके पहले सबसे पहले ग्रीटिंग करना है, फिर खुद का इंट्रोडक्शन देना है, फिर टॉपिक को इंट्रोड्यूस करना है, ठीक है हमें पता है पार्ट वन पैराग्राफ वन में ये हमने अभी एक पार्ट के तरीके से समझा। लेकिन उसको अब हम जो आगे उसी पार्ट वन में पैराग्राफ वन को शुरू कैसे करेंगे, हमें पता है ग्रीटिंग करना है लेकिन करना कैसे, हमें पता है इंट्रोडक्शन देना है खुद का ठीक है कैसे देना है, हमें ये भी देखना है कि हमें उस टॉपिक को इंट्रोड्यूस कैसे करना है, किस टॉपिक में हम आज बोलेंगे। तो यानी कि इसकी जो दो से तीन लाइन्स जो बन रही है हेडिंग के बाद, सबसे पहले हेडिंग लगाती है उसके बाद जो दो तीन लाइन, तो उसका जो स्टार्ट है जो पार्ट वन है उसका जो पहला फॉर्मेट है वो आप देखिए, मैंने आपके सामने ये लिखा है पार्ट वन पैराग्राफ, ओके बहुत ध्यान से आप देख रहे हैं जिसमें लिखा गया ग्रीटिंग ऑडियंस पहली लाइन, सेल्फ इंट्रोडक्शन दूसरी लाइन एंड तीसरी इंट्रोड्यूस द टॉपिक तीसरी लाइन। तीन लाइन में हमें 30 वर्ड्स नियर अबाउट 30 वर्ड्स में हमें तीन लाइन को करना है।
ओके तो ये आप देख सकते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, अभी थोड़ी देर पहले जो हमने पार्ट वन में जिन लाइंस को हमने देखा है, जिस पार्ट्स में लाइंस को देखा है, उसी लाइंस को मैंने यहाँ पे प्लस वाइज कर दिया है, 1, 2 एंड 3, यानी 3 लाइंस हमें अब बढ़ानी है। और मैंने आपके सामने, आप देख सकते हैं, मैंने कुल 3 तरह के जो वेलकमिंग पार्ट्स है यानी कि ग्रीटिंग्स लाइंस है, जो मैंने 3 तरीके से आपको बताया कि इन 3 लाइंस को, 1, 2 एंड 3, उन 3 लाइंस को आप जब जोड़ेंगे, आप इनको तो आप जो जोड़ के जो लाइंस बनेंगी, तो मैंने इसको 3 पार्ट्स में आपको बताया। पहला पार्ट आप देख सकते हैं ये वाला है, एंड दूसरा, एंड दिस इज थर्ड। ये 3 तरीके से मैंने आपको बताया कि आप इन 3 तरीके से, उन 3 माध्यमों से आप अपना ग्रीटिंग विद इंट्रोडक्शन विद टॉपिक आप शुरू कर सकते हैं। इन तीनों में से आपको एक फर्क देखना है, वो ये जो आप मेरा पहला जो इंट्रोडक्शन देख रहे हैं, जो पहला ग्रीटिंग देख रहे हैं, जो मैंने स्पीच राइटिंग का जो हम स्टार्ट करेंगे, उस जो मैं आपको परमानेंट लाइन दे रहा हूँ, ये परमानेंट है, ये बिल्कुल परमानेंट लाइन्स है। अब ऐसे इसमें आप कुछ भी घटाना या बढ़ाना नहीं है, बस इजी तरीके से आपको ये लाइन्स रिमाइंड होनी चाहिए, रिमेंबर होनी चाहिए, इस लाइन्स के जरिए ही आप स्टार्ट करोगे स्पीच राइटिंग, ये परमानेंट लाइन्स है। ओके तो आप सबसे पहला देखिए, मैंने जो पहला जो ग्रीटिंग स्टार्ट किया है वो क्या है, अ वेरी वार्म गुड मॉर्निंग टू द वेरी ऑनरेबल चीफ गेस्ट, द रेस्पेक्टेड प्रिंसिपल, द बीलव्ड टीचर एंड माय डियर फ्रेंड। आपने सबसे पहले क्या कर लिया, आपने सबसे पहले क्या कर लिया, आपने सबसे पहले ग्रीटिंग दे दिया किनको, स्कूल के टीचर्स को, प्रिंसिपल को, चीफ गेस्ट को, एंड अपने दोस्तों को, यानी अपने स्टूडेंट्स जो आपके साथ पढ़ते हैं, जो आपके इस विद्यालय में पढ़ते हैं, स्कूल में पढ़ते हैं। पहला काम आपने कर लिया, ये आपका हो गया ग्रीटिंग ऑडियंस, ये पहला काम आपका हो गया। अब आगे देखिए, आइए यहाँ पे आप अपना नाम फिल करोगे, यदि आपके एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में अगर नाम दिया गया है तो आप वो नाम लिखेंगे, अगर नहीं दिया गया तो आप खुद का नाम लिख सकते हैं। तो ये आपने क्या किया, खुद को इंट्रोड्यूस कर लिया, आई एम, मैं आप लिख देता हूं अमित, आई एम अमित अवस्थी, मैंने अपना खुद का नाम लिख दिया, आई एम अमित अवस्थी द हेड बॉय। अब आपकी जो स्कूल में अगर कोई पोजिशन है, जैसे आप हेड बॉय है या मॉनिटर है, जो भी हो भी लिख सकते हैं, तो आई एम द हेड बॉय, और मैंने यहाँ पर ऑब्लिक किया है मॉनिटर ऑफ क्लास, आप यहाँ क्लास का नाम लिख दीजिए, कोई भी क्लास है, जैसे आप लिख दीजिए 12th, है ना, 12th ए बी सी, जो भी आप लिखना चाहे। तो इसमें आपने क्या किया, सेल्फ इंट्रोडक्शन, आपकी दूसरी लाइन तैयार हो गई, है ना, सेकेंड लाइन आपकी बन गई, क्या बन गई, सेल्फ इंट्रोडक्शन, फर्स्ट लाइन ये बन गई और ये सेकेंड लाइन बन गई। ओके अब आपने थर्ड लाइन इंट्रोड्यूस द टॉपिक, तीसरी लाइन अब आपको बढ़ानी है, ये परमानेंट लाइन्स है, यानी कि आप इन लाइन्स को ही यूज कर सकते हैं। और इसके बाद आपका जो आप देख सकते हैं कि आपने क्या किया, विश यू ऑल अ हैप्पी, अब जो भी सेलिब्रेशन हो रहा है स्कूल का, कोई भी सेलिब्रेशन, कोई भी टॉपिक, तो आप उसको आप यहाँ पे फिल कर दीजिए। फिर इट्स ग्रेट एंड मोस्ट सिग्निफिकेंट डे फॉर ऑल ऑफ अस, टुडे आई फील ऑनर्ड टू शेयर माय व्यू विद योर विद यू अबाउट। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, टॉपिक का नाम आ जाएगा, टॉपिक का नेम आ जाएगा, यानी हमारा ये काम भी पूरा हो गया। तो हमने देखो 1, 2 एंड 3, इन 3 लाइंस को हमने शुरू में देखा, जो हमारे पार्ट वन में हमें जिस पे काम करना है, हमने उस पे ये अच्छा सा हमने ग्रीटिंग के साथ हमने तीनों बातों को, तीनों वन बाई वन, तीनों बातों पे काम करते हुए हमने इसको कम से कम 3 से 4 लाइन में तैयार कर लिया, यानी 30 वर्ड्स के नियर अबाउट हमें इसे तैयार करना ही तैयार करना। अब ध्यान रखें, ज्यादातर इस तरीके की लाइन्स में, इस तरीके के टॉपिक कहाँ लिखा जाता है, वेलकमिंग स्पीच में, कहाँ लिखा जाता है, वेलकमिंग स्पीच में। ये वेलकमिंग स्पीच के लिए सबसे बढ़िया, वेलकमिंग स्पीच के लिए, अब वेलकमिंग स्पीच में क्या बताया, रिपब्लिक डे, इंडिपेंडेंस डे, फेयरवेल, टीचर्स डे, कोई भी तरह का ऐसा कार्यक्रम जो एक अच्छे वेलकमिंग में, स्वागत में आ जाता है, बढ़िया से हम स्कूल में सबका स्वागत करते हैं, उसको कार्यक्रम को अच्छे से शुरुआत करते हैं, उसमें बहुत कुछ फंक्शंस होते हैं, तो आप देख सकते हैं ये वेलकमिंग स्पीच के लिए सबसे बढ़िया तरीका है, जो पहला पार्ट है, पार्ट वन वेलकमिंग स्पीच के लिए। अगर मान लो आपका स्पीच किसी सोशल इश्यू में, किस पे, सोशल इश्यू में, मैंने बताया सामाजिक मुद्दे में, उसके लिए
मैं आपको बताता हूँ आपको इंट्रो कैसे करना है, स्टार्ट कैसे करना है। तो आप ये देख सकते हैं, ये वाला बिल्कुल यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, सोशल इश्यू बराबर। इसको आप देखिए किस तरह आप कर सकते हैं। हेलो एवरीवन, ऑनरेबल एक्साइटेड ऑन द स्टेज एंड माय डियर फ्रेंड्स, टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्रेस अ स्पीच ऑन द टॉपिक ऑफ, टॉपिक का यहाँ पे नाम लिख दीजिए, टॉपिक नेम, ओके, ये परमानेंट लाइन से हो, एंड आई स्टैंड बिफोर यू टू शेयर अ फ्यू थॉट्स ऑन, थॉट्स ऑन। अब यहाँ पे आपको टॉपिक का नाम लिखना है, सो आई होप यू विल लिसन टू मी कॉलली। आप मुझे बड़ी शांति से ध्यान से सुनो। अगर कोई ऐसा सोशल इश्यू पे अगर कोई स्पीच लिखना है तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं, और आप चाहे तो इसमें अपना नाम या अपनी क्लास का नाम भी लिख सकते हैं। ऐसा कोई मैटर नहीं है कि नहीं नहीं नहीं, नहीं वो नहीं लिखना है, पर ये मैंने आपको इसलिए मैंने इसमें क्लास का नाम या बंदे का नाम नहीं लिखा क्योंकि आप कंफ्यूज नहीं हो जाओ। हाँ, आप ऐड कर सकते हो, लेकिन ये इन लाइन्स में ये शो हो जाएगा कि आप जो स्पीच लिख रहे हो ये किसी सोशल इश्यू पे। तो सोशल इश्यू पे जो आप स्पीच का इंट्रो लिखते हैं, स्टार्ट करते हैं, उसमें बिल्कुल वेलकमिंग चीज नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मुद्दा बड़ा गर्म है और आप उस पर वेलकमिंग तो नहीं बैठेगा। तो इसलिए आप उसमें ऐड कर सकते हैं कि मैं इस क्लास का स्टूडेंट हूँ और मैं आज इस टॉपिक पे ये जो सोशल इशू का मुद्दा है इस पर चर्चा करना चाहूंगा। तो ये मैंने आपको बताया सोशल इशू पे आपको स्टार्ट कैसे करना है, पार्ट वन, पैराग्राफ वन, ओके। और अब आ जाता है नेशनल और इंटरनेशनल इशू, ये देख सकते हैं नेशनल एंड इंटरनेशनल इशू। इसमें आप कैसे करेंगे, गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई यानी आपका जो नाम है वो आपको लिखना है ना, ऑफ क्लास, आप यहाँ पे क्लास का आप लिख दीजिए जो भी आप ट्वेल्थ में है या जो भी सीनियर क्लास का नाम। फिर हो जाएगा आई वुड लाइक टू डिलीवर अ शॉर्ट स्पीच ऑन, यहाँ पे आपको टॉपिक का नाम लिखना है, यहाँ पे आपको टॉपिक का नाम लिखना है। अब ये भी आपको हो गया, अगर आप चाहे तो आप ये लाइन भी लिख सकते हैं यहाँ से लिखे और यहाँ पे, और अगर आप चाहे तो ये लाइन भी लिख सकते हैं। मैंने दो लाइन्स यहाँ पे ऐड की, कितनी, दो लाइन्स। आप चाहे तो यहाँ से लेके यहाँ तक भी लिख सकते हैं, और ये लाइन नहीं तो ये लाइन यूज कर लीजिए, आई वुड लाइक टू प्रेजेंट माय व्यूज बिफोर द ऑगस्ट बॉडी रिगार्डिंग, जो यहाँ पे जो बैठे हैं जो मोस्टली पॉपुलर, जो काफी पॉपुलर लोग, उनके सामने मैं आज ये इश्यू पर चर्चा करना चाहूंगा। यहाँ पे आप टॉपिक का नाम लिख सकते हैं, इस तरह कर सकते हैं। तो मैंने आपने देखा मैंने तीन तरह के इंट्रोडक्शन आपको बताए स्पीच में, जो पहला वेलकमिंग पे होता है, दूसरा सोशल पे, तीसरा नेशनल इंटरनेशनल इशू पे। बस ये थोड़ा सा उसमें एक लाइन्स का फर्क आ जाता है। वेलकमिंग में क्या है कि आप थोड़ा वेलकमिंग चार्म के साथ इंट्रो शुरू करते हैं, और सोशल और नेशनल इंटरनेशनल इशू में जो आप इंट्रो शुरू करते हैं उसमें क्या ज्यादा वेलकमिंग नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये तो आपको देखते ही पता चल जाता है कि सोशल पे है तो कौन सी लाइन इस पर घटानी और बढ़ानी है, कोई बड़ा इशू नहीं है। तो आप देख सकते हैं तीन तरह के इंट्रो, पार्ट वन, पहला वन जो कि स्टार्टिंग ग्रीटिंग से होता है, जो अभी थोड़ी देर पहले अपन ने जो स्पीच के जो तीन पार्ट्स को देखा, ग्रीटिंग एंड मेन बॉडी एंड कंक्लूजन। तो ये ग्रीटिंग के तीन पार्ट्स है, ये ग्रीटिंग के तीन पार्ट्स है, तीन तरह से, वेलकमिंग, सोशल एंड नेशनल और इंटरनेशनल, ये तीन तरह के। तो ये पहला पार्ट हमारा क्लियर हो गया, और ये परमानेंट है, आप चाहे तो बिल्कुल इसी लाइन को यूज करिए, बिल्कुल इसी से शुरू करिए। तो आपका पहला जो टॉपिक है ग्रीटिंग्स, वो ये अभी क्लियर हो गया। अब अगले टॉपिक पे चर्चा करेंगे मिडिल बॉडी, मैन बॉडी, है ना, मैन। आप देखेंगे मैंने अभी जैसे जस्ट थोड़ी देर पहले हमने क्या किया, जो स्पीच राइटिंग का जो पार्ट वन है, पैरा वन, उसके हमने इंट्रोडक्शन को देखा। तो जो इंट्रोडक्शन है जो ग्रीटिंग के साथ है, तो इंट्रोडक्शन विद ग्रीटिंग हमने, मैंने आपके सामने उसके तीन तरीके बताए, क्योंकि आप इंट्रोडक्शन को और केवल एक ही लेवल पे नहीं रख सकते, क्योंकि देखो स्पीच राइटिंग क्या होता है ना कि अलग अलग टॉपिक पे स्पीच राइटिंग के क्वेश्चन बनते हैं। अब मान लो कोई स्कूल का कार्यक्रम है, फंक्शन है, सेलिब्रेशन है, तो वेलकमिंग स्पीच के हिसाब से इंट्रो बनेगा। लेकिन अगर आपका टॉपिक सोशल इश्यू है या नेशनल इंटरनेशनल इश्यू है तो उसमें क्या फिर ज़्यादा वेलकमिंग नहीं हो सकता उसमें, ठीक है। आप उसको एक बार इंट्रो कर लीजिए, आप जो ग्रीटिंग कर लीजिए, उसके बाद तुरंत आपको सब्जेक्ट पे आना पड़ता है, जो मेन सीरियस टॉपिक है उस पे आना पड़ता है, यदि वो सोशल और नेशनल और इंटरनेशनल इश्यू है तो। तो अब देखिए मैंने आपको तीन इंट्रो बताए, वेलकमिंग इंट्रो जो जुड़े हुए हैं पार्ट वन, पैरा वन,
और ठीक है ना, जो जुड़े हुए हैं आपके वेलकमिंग सोशल या नेशनल इंटरनेशनल इश्यू में, तीन पार्ट भी जुड़े हुए। अब मैं आ रहा हूँ पैरा टू, पार्ट टू पे आ रहा हूँ, पैरा टू पे आ रहा हूँ। अब उसमें भी क्या है, आपको जो पैरा टू जो कि लगभग नियर अबाउट 40-50 वर्ड्स के करीब होता है, और जिसके बारे में मैं अभी थोड़ी देर पहले आपको उसके कुछ मेन पॉइंट्स भी बता चुका हूँ, उसका कॉन्सेप्ट भी बता चुका हूँ, किस तरीके से आपको उनकी वो लाइंस आपको क्रिएट करनी है। तो अभी तो मैं आपको उसका फॉर्मेट बता रहा हूँ, पैरा टू तीन टॉपिक पे, वेलकमिंग सोशल एंड नेशनल इंटरनेशनल इशू पे। तो पहले अपन देख लेते हैं वेलकमिंग इशूज पे, जो वेलकमिंग से जुड़े हुए हैं। स्कूल के कई बहुत से कार्यक्रम जो बड़े मनोरंजन दायक होते हैं, बहुत अच्छे उत्साहवर्धन वाले कार्यक्रम होते हैं, तो उसको लेकर पैरा टू अपन तैयार करेंगे। उसके लिए मैंने आपके सामने एक फॉर्मेट रखा है, आप देख सकते हैं। अब ये पार्ट टू का जो है आप देख सकते हैं, तो मैंने आपके सामने पैरा टू में मैंने आपके सामने हर एक में कम से कम 4-5 लाइन्स रखी है। इन 5 लाइन्स को आप फॉलो करते हुए आपको मिडिल बॉडी यानी पैरा टू मिडिल बॉडी जो मेन पार्ट है वो अब आपको तैयार करना है। तो ये है आपका वेलकमिंग, ऑन वेलकमिंग। अब मान लो कई सारे कार्यक्रम है, टीचर्स डे है, इंडिपेंडेंस डे है, रिपब्लिक डे है, बहुत से फेयरवेल पार्टी है, और भी कई सारे कार्यक्रम होते हैं जो बिल्कुल एकदम हसल बसंत टाइप होते हैं, हंसी मजाक वाले, यानी जिसमें खुशी होती है, बहुत मनोरंजन होता है। आप क्या करेंगे सबसे पहले, अब जैसे आपको पता है कि वेलकमिंग स्पीच पे आप लिख रहे हैं, तो आप बिल्कुल उसमें सबसे पहले तो आपको ये लाइन आपको लिखनी है, फ्रेंड्स वी आर सेलिब्रेटिंग दिस डे। ये जो है दिस डे, यानी उस डे में आप अपना कोई उस डे का वो जो फंक्शन है, जो वेलकमिंग फंक्शन, वो आप लिख दीजिए। जो भी है जो फंक्शन पे आप स्पीच का बोलने जा रहे हो उसको यहाँ पे आप लिख दीजिए, ठीक है। उसके बाद आप लिखिए इन सच एन एक्सीलेंट मैनर एज यू ऑल डू। अब आपने ये जो लाइन लिखी ना, ये लाइन वेलकमिंग स्पीच में परमानेंट लाइन है। इस लाइन को आप किसी भी तरह के वेलकमिंग स्पीच का जो मिडिल पैराग्राफ है उसमें आप यूज कर सकते हो। इसमें कोई गलत वर्ड नहीं है, कोई एक्स्ट्रा नहीं है, क्योंकि ये सब पे लागू होता है, हर तरह के वेलकमिंग स्पीच पे ये लाइन लागू होती है, तो इसको आप बिल्कुल याद कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं। फिर दूसरी जो लाइन है, इट इज ग्रेटिफाइंग। ग्रेटिफाइंग का मतलब होता है संतुष्टिदायक। क्या होता है ग्रेटिफाइंग का मतलब होता है संतुष्टिदायक। टू नोट दैट एजेंडा ऑफ द सेमिनार कवर्स अ वाइड रेंज ऑफ वेरी इंटरेस्टिंग आइटम रिलेटिंग टू द, वो बता रहा है कि ये कितना संतुष्टिदायक है कि जो ये आज सेमिनार आयोजित हो रहा है, ये सेमिनार जो आज आयोजित हो रहा है, ये इस सेमिनार से जुड़ी हुई कई सारी चीजों को आपस में जोड़ते हुए ये बड़ा आनंददायक तरीके से इसके बारे में और ज्यादा इस टॉपिक को और ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाएगा, आनंददायक बनाएगा, मतलब संतुष्टिदायक बनाएगा। अब आप क्या करो कि जो ये दूसरी लाइन है, अब इसमें ये जो दूसरी लाइन ये परमानेंट, ये लाइन बिल्कुल यहाँ से लेके यहाँ तक परमानेंट है, जैसा कि मैंने आपको बताया ये भी परमानेंट लाइन है, जो बिल्कुल आप किसी भी तरह के वेलकमिंग स्पीच के मिडिल पेज में जो मिडिल बॉडी पेज बनाओगे उसको आप यूज कर सकते हैं। आपने सेकंड लाइन है उसको भी अच्छे से यूज कर लिया। अब उसमें आपने क्या किया कि जो टॉपिक है उस टॉपिक से जुड़ी हुई आपको एक या दो बातें शेयर कर दी, जिसके लिए मैंने आगे आगे गैप रखा है ना, कि भाई रिलेटेड टू द उस टॉपिक से रिलेटेड एक या एक बात आपको बतानी है, कि भाई ये टॉपिक हम जिस तरीके से सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो आज इस टॉपिक के बारे में मैं शायद इसके बारे में ये बताना चाहूंगा, वो आपने लाइन बना दी, ठीक है। इस तरह आपकी कंप्लीट देखा जाए तो 2-2.5 लाइन तो यहीं तैयार होगी। फिर उसके बाद आ जाता है सी, इसकी थर्ड लाइन, वो देखिए टुडे वी आर सेलिब्रेटिंग। यहाँ पे आपको टॉपिक का नाम लिखा है, ऑन टॉपिक नेम इज वेरी क्यूरियस फॉर अस। क्यूरियस का मतलब होता है उत्सुकता वाला। आज का जो दिन है, आज का जो हम दिन सेलिब्रेट कर रहे हैं, वो बड़ा उत्सुकता भरा है। तो ये आप ये देख लो, लगभग तीसरी लाइन के लगभग अच्छी तैयार हो गई। फिर आप जो डी पे जाते हैं, As you all know the day, जैसे कि आप सभी जानते हैं ये जो दिन है वो टॉपिक का नाम आपको लिखना है, इज रिलेटेड टू, ये भी परमानेंट लाइन है, इज रिलेटेड टू। फिर आगे जो मैंने आपके सामने यहाँ पे तीन लाइन्स मैंने छोड़ी है, इन तीन लाइन्स में आपको ये बताना है कि ये जो दिन आप सेलिब्रेट कर रहे हैं, ये दिन क्या है, ये क्यों सेलिब्रेट किया जा रहा है, इस सेलिब्रेशन से जुड़ी हुई कोई भूतकालीन कोई बात है या कोई उसका इतिहास है, वो आप दोहराइए, आप वो आप बताइए अच्छे से, कम से कम 2-3 लाइन। अगर मान लो इंडिपेंडेंस डे है, रिपब्लिक डे है, टीचर्स डे है, फेयरवेल पार्टी है, ये है वो है, कोई भी है, क्योंकि वेलकमिंग है, कोई भी चीज़ का कारण होता है,
है ना, तो आप क्यों कर रहे हैं, क्यों सेलिब्रेट कर रहे हैं। जैसे मैंने इसको मेरे इंट्रो में मैंने आपको बताया है, इसके मेन पॉइंट्स को मिडिल बॉडी के जो पार्ट्स में मैंने जो पॉइंट बताया उसमें मैंने यही बताया कि आपको एलिबोरेट करना है, आपको बताना हो आप क्यों कर रहे हो, क्यों सेलिब्रेट कर रहे हो, यानी सारे पॉइंट तो नहीं लेने, क्योंकि जो मैंने पॉइंट्स बताए थे आपको शुरू स्टार्ट में जो बॉडी के लिए पॉइंट्स यूज किए जाते हैं उसमें से हर एक एक दो दो पॉइंट हर एक टॉपिक से जुड़े हुए हैं। जरूरी नहीं कि उसमें 8-10 पॉइंट है तो सारे के सारे लागू हुए, नहीं, उसमें से कुछ सोशल इशू पे लागू होगी, कुछ नेशनल इंटरनेशनल इशू पे लागू होगी। तो यहाँ पे आप उस टॉपिक से जुड़ी हुई जानकारी दे दीजिए कि भाई हम इस फंक्शन को इसलिए सेलिब्रेट करते हैं कि इस दिन ऐसा ऐसा हुआ था, इसका इतिहास ये सब एक दो लाइन, तो आप देख सकते हैं। इससे आपको कम से कम सबसे जो मेन फायदा आपको इस फॉर्मेट का क्या है, एक तो आपको अच्छा स्टार्ट मिल गया, जो परमानेंट स्टार्ट है वो मिल गया, किसी भी तरह का वेलकमिंग स्पीच में आपको अच्छा स्टार्ट मिल गया, जो आप देख सकते हैं यहाँ से लेके यहाँ, ठीक है। तो 4-3 से 3.5 लाइनें तो यहीं तैयार हो जाती है, 2 लाइन में आपको इसका इतिहास बताना है, जो लास्ट में यहाँ बताना है। इस तरह आपका वेलकम स्पीच का मिडिल पार्ट, जो मिडिल बॉडी है वो तैयार हो जाएगी, ठीक है। इंट्रो थोड़ी देर पहले हमने इसका इंट्रो देख लिया कि इंट्रो में कैसे ग्रीटिंग और कैसे करके आप 3 लाइन बढ़ाओगे, उसके बाद मिडिल पेज आप ऐसा बढ़ाओगे, ठीक है, वेलकम। अब आ जाते हैं अपन सोशल इशू पे, ये रहा सोशल इशू। अब सोशल इशू पे भी अगर स्पीच बोलना हो या लिखना हो, मान लो किसी सोशल इशू पे आपका स्पीच आ गया, तो उसकी मिडिल बॉडी कैसे तैयार होगी, उसका मिडिल पैराग्राफ कैसे तैयार होगा। इंट्रो तो हमने थोड़ी देर पहले देख लिया है, जो वेलकम सॉरी ग्रीटिंग जो इंट्रो होगा इस टॉपिक का वो हमने देख लिया है। अब मिडिल बॉडी कैसे तैयार होगी अब देखिए। सबसे पहले मैंने आपको बताया है जो मेरा कॉन्सेप्ट था स्टार्टिंग में कि ऐसे मिडिल पेज में जब कोई टॉपिक सोशल इशू पे हो तो उसमें हमेशा आप कोटेशन यूज कीजिए। तो आप देखिए मैंने आपने लाइन बढ़ाई है ए, ये आप देख सकते हैं पैरा टू समवन सेड दैट अबाउट पर्सन थिंग सब्जेक्ट। अब क्या करना है आपको, ये लाइन लिखनी है, इस लाइन के साथ साथ आपको बताना है कि किसी ने किसी के बारे में कहा है। अब आप या किसी पर्सन का नाम लिख सकते हो, कोई वस्तु का नाम लिख सकते हो, या सब्जेक्ट या किसी विषय का भी लिख सकते हो कि किसी ने इस विषय के बारे में कहा है, किसी ने व्यक्ति के बारे में ये कहा है, किसी ने किसी वस्तु के बारे में ये कहा है, किसी ने कहा है, ऐसा करके आप ये लाइन लिखो। उसके बाद देखिए मैंने आपके सामने 3 कोटेशन लिखे, अब वो ध्यान से देखिए 3 कोटेशन, कोटेशन ए बी एंड सी, ए बी एंड सी। अब देखिए जो साइलेंस इज डीप एज एटर्निटी, स्पीच इज शैलो एज टाइम। अब जो पहला जो कोटेशन आप देख रहे हो कि जो पहली लाइन है साइलेंस इज डीप एज एटर्निटी, स्पीच इज शैलो एज टाइम, मौन ही अनंत भाषाओं की भाषा है, मौन यानी चुप रहना अनंत भाषाओं की भाषा है। क्योंकि देखो ये आपका जो स्पीच का जो मिडिल पेज है ये सोशल इश्यू पे, सामाजिक मुद्दे पे, तो इस पे आप जब अच्छे से कोई ऐसा कोटेशन जो सोशल इश्यू से जुड़ा हुआ है, सामाजिक मुद्दे से जुड़ा हुआ है, और ऐसा कोई रिलेटेड कोटेशन होगा, और उससे अगर आप स्टार्ट करोगे मिडिल पेज ऑन सोशल इश्यू स्पीच, तो वो आपका इम्पैक्ट बहुत अच्छा पड़ेगा। दूसरा है बी द चेंज यू विश टू सी इन द वर्ल्ड, बी द चेंज You wish to see in the world। ये गांधी जी का एक कोट कहा गया है, गांधी जी का एक कोटेशन है, कथन है कि वह परिवर्तन जो आप खुद में भी करो और जो आप दुनिया में देखना चाहते हो, यानी कि वह परिवर्तन जो आप दुनिया में देखना चाहते हो पहले वो खुद में करो, वह परिवर्तन जो आप दुनिया में देखना चाहते हो पहले वो खुद में करो। तो ये गांधी जी का एक कोटेशन हो गया, तो ये भी सोशल मुद्दे पे जुड़ा हुआ, क्योंकि कई ऐसी सोशल बुराई है जो पहले तो हमारे खुद के अंदर है और फिर हम दुनिया पे तनकीद करते हैं, हम दुनिया पे कमेंट करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं, किसी और की भी क्रिटिसाइज करते हैं, कई सारे सामाजिक मुद्दों पे हम क्रिटिसाइज करते हैं। पहले हम खुद में हमें देखना है कि हम सामाजिक मुद्दों पे कितने खड़े होते हैं, फिर हम दुनिया को वैसा देखना चाहेंगे। तो ये बढ़िया कोटेशन हो गया, ये हो गया द राइज ऑफ सोशल एंटरप्रेन्योरशिप गिव्स होप फॉर द फ्यूचर। अब आपने जैसे लाइन देखी कि उत्पाद और सेवा किसी समाज के आविष्कार का एक लाभ है, उत्पाद और सेवा किसी भी समाज के लिए आविष्कार का एक लाभ है ना, और सेवा है। तो कहने का मतलब आप देखे ना, कहीं पर भी क्या होता है, किसी भी तरह का कोई ऐसा उत्पाद होता है, प्रोडक्शन होता है, वो तो किसी समाज के लिए लाभ के रूप में खड़ा होता है, लेकिन उसकी हानियां भी है और फायदा भी है, नुकसान भी और फायदा भी है। तो ये जो कोटेशन आप देखते हैं, इन को 3 कोटेशन में से कोई भी एक कोटेशन जो कि सोशल इश्यू से जुड़ा हुआ होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आप उसको वेलकमिंग स्पीच के मिडिल पेज में यूज कर रहे हो, नहीं,
सोशल इश्यू पे, हो सकता है तीन कोटेशन है, इसके अलावा और भी कोई अच्छा कोटेशन सोशल इश्यू पे जो आप यूज कर सकते हैं, लेकिन कहा पे सोशल इश्यू का अगर कोई टॉपिक है स्पीच राइटिंग, उसके मिडिल पेज में आप पहली लाइन के साथ शुरू करो कि समवन सेड दैट अबाउट, फिर आप ये लिख के उसके बाद आप ये लाइन उन तीनों में से कोई भी या और भी कोई कोटेशन आप लिख के लिख सकते हो, ठीक है। इससे आपकी कितनी लाइन तैयार होगी, एक एक से डेढ़ लाइन अच्छी तैयार होगी। फिर आ जाते हैं बी, उसके बाद जो आपको अगली लाइन लिखनी है, हैविंग फॉलोड दिस कोड, ये जो कोड दिया गया है, आई शैल एक्सप्रेस माय व्यू विद माय स्पीच, मैं इस कोड के माध्यम से आज के इस स्पीच में भाषण में इसके बारे में बताना चाहूंगा। फिर आपको क्या करना है, उसके बारे में अपना व्यू बताना है, आपको उसका फैक्ट बताना है, एडवांटेज डिसएडवांटेज बताना, जो मैंने अपने शुरू में कॉन्सेप्ट में मैंने आपको बताया कि आपको उसके बारे में फैक्ट्स बताना है, डाटा बताना है, एडवांटेज डिसएडवांटेज बताना है, एग्जांपल्स देने हैं, जो भी करना है वो आपको आगे दो लाइंस में आपको बताना है उस टॉपिक के बारे में। यानी ये कोटेशन देखिए आप उस टॉपिक के बारे में आप अपने एक्सप्रेस व्यू करोगे एक या डेढ़। फिर आप देखोगे नाउअडेज इन आवर सोसाइटी एंड आवर कल्चर है इन ऑल इन डिफरेंट मैनर, ये जो लाइन है ये लाइन पूरी परमानेंट है। इस लाइन को लिखने के बाद क्या करोगे आप, जो आपकी सोसाइटी है जिस मुद्दे के लिए लड़ रही है उससे संबंध में आपको एक लाइन आगे फिल करनी है, इसके जस्ट आगे डिफरेंट मैनर के आगे ये लाइन पूरी लिखने के बाद, इससे आपका बिल्कुल एक प्रॉपर उस सब्जेक्ट से जुड़ी हुई लाइन बनेगी और बिल्कुल वो बाहर नहीं जाएगी, बिल्कुल उससे जुड़ा हुआ रहेगा। फिर आ जाते हैं नाउ इट इज द टाइम टू एक्ट राइज योर वॉइस फॉर, इसका मतलब होता है नाउ इट इज द टाइम टू एक्ट, एक्ट भी लिखो या राइज लिखो योर वॉइस फॉर, अब वो समय आ गया है कि हम इस मुद्दे के लिए अब हमें इस पे आवाज उठानी चाहिए या इस पे कोई एक्ट करना चाहिए, तो उस टॉपिक का आप नाम लिख लीजिए जो मुद्दा आप उठाना चाहते हो, जिस मुद्दे पे वो सोशल इश्यू का स्पीच राइटिंग है उस मुद्दे या उस टॉपिक का नाम लिख लीजिए। यहाँ फिर आ जाता है इन माय ओपिनियन, इस बारे में मेरी जो विचार है वो क्या है, तो आप विचार यहाँ पे लिख दीजिए, अपना विचार रख दीजिए कि ऐसा ऐसा होना चाहिए, मैं समझता हूँ इस तरह की चीजों में इस तरह के सोशल मुद्दों में इसका समाधान इस तरह होना चाहिए, वो एक दो वर्ड्स में आप बता सकते हो ऐसा होना चाहिए। फिर उसके बाद लिख दीजिए टू फैसिलिट बेटर, ताकि आप एक अच्छे चीज का सामना कर सके, इस तरह आप देखिए कम से कम 5 से 6 लाइन में आपका एक पूरा मिडिल पेज स्पीच ऑन सोशल इशू पे तैयार हो जाएगा इस तरह। अब मैं तीसरा जो पैरा आपको बताना चाह रहा हूँ, ये पैरा टू है, ये भी पैरा टू है, ये पैरा टू वेलकमिंग का मिडिल पेज है, ये पैरा टू सोशल इश्यू का मिडिल पेज है, और एक पैरा टू और बता रहा हूं, वो बता रहा हूं नेशनल इंटरनेशनल इश्यू पे, ठीक है। अब आप देख रहे हैं पैरा पार्ट टू, ये अभी थोड़ी देर पहले आपने जो पार्ट टू मिडिल पेज आपने देखा जो आप तैयार करते हैं स्पीच में, तो हमने किसका देखा, एक वेलकमिंग का मिडिल पेज देखा और एक हमने मिडिल पेज देखा सोशल इशू पे, कि इस तरह से हमें वेलकमिंग और सोशल इशू पे किस तरह मिडिल पेज को तैयार करना, जो अभी आपने थोड़ी देर पहले देखा। अब मैं जो तीसरा हमारा टॉपिक जिस पे हमारा स्पीच राइटिंग अक्सर आता है, जिस पे हमारे क्वेश्चन बन के बोर्ड एग्जाम्स में आता है, और वो होता है नेशनल और इंटरनेशनल इश्यूज पे, जो मैं आपको कल बता चुका हूँ, जैसे क्लाइमेट चेंज है, इकोनॉमिकल क्राइसिस है, या और भी कई सारे टॉपिक है, तो अब उस पे आप मिडिल पेज जो तैयार करोगे वो किस तरह का होगा, उसका फॉर्मेट आप देखिए, तो उसका फॉर्मेट है जैसे मैंने कुछ लाइंस आपके सामने लिखी है, ये लगभग 4 से 5 या 5-6 लाइंस के बीच में हमें इसको क्रिएट करना होता है, ऐसा नहीं कि आप 10-10, 12-12 लाइंस में क्रिएट कर रहे हैं, नहीं, बिल्कुल इसका एक लिमिट वर्ड लिमिट होती है, आपको उस हिसाब से लिखना होता है। तो ये देखिए मैंने पहला जो लाइन परमानेंट लाइन जो क्रिएट की है वो देखिए, एज अ रेस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ आवर कंट्री यू मस्ट नो अबाउट द फैक्ट ऑफ, अभी जो आप पहली लाइन देख रहे हैं इस लाइन में आप देखिए, जब आप किसी नेशनल इंटरनेशनल इशू पे जब आप स्पीच राइटिंग का मिडिल पेज लिखेंगे, तो ये सर्वविदित है कि हमें उस टॉपिक को पहले उस टॉपिक को आपको इंट्रो करवाना पड़ेगा कि वो टॉपिक है क्या, और उस टॉपिक के बारे में हमें ये बोलना है कि या लिखना है कि एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हमें बिल्कुल ये अनिवार्य रूप से हमें जानना चाहिए या हमें पता होना चाहिए कि अब वो टॉपिक क्या है, वो टॉपिक आप यहाँ लिख लीजिए कि ये टॉपिक ये है और हमें इसके बारे में वास्तव में इतनी जानकारी होनी चाहिए कि इससे हमें क्या नुकसान है, फायदे या ये ऐसा क्यों हो रहा है, वो आप आगे एक लाइन में और बढ़ा के भी लिख सकते हैं, यहाँ पे आप एक लाइन और भी थोड़ा ऐड कर सकते हैं कि भाई हमें इसके बारे में जानना चाहिए इससे हमें कितना नुकसान है, फायदा या ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। फिर दूसरी लाइन है जी, बट डोंट यू अग्री विद मी व्हेन आई से द सिचुएशन अराउंड अस इज अ बेटर नेगेटिव, अब क्या होता है कि मैंने आपको जैसे भी बताया था
कि जब आप इस वीडियो के शुरू में आप देखेंगे कि मैंने आपको जो इसका कॉन्सेप्ट बताया कि किन किन पॉइंट्स के किन किन मुख्य पॉइंट्स के आधार बना के आप एक पूरा स्पीच राइटिंग करेंगे, उसका मिडिल पेज आप तैयार करोगे, वो पॉइंट्स में मैंने बताया कि आप इसमें खुद से क्वेश्चन कर रहे हैं और खुद से जवाब मांग रहे हैं, यानी पब्लिक से जवाब मांग रहे हैं खुद से क्वेश्चन करके। तो अब आप लिख रहे हैं कि जैसा कि, लेकिन मुझे पता है कि मेरी इस बात से कोई सहमत नहीं होगा, क्योंकि जब मैं ये कहूँगा कि हमारे आसपास की सारी स्थिति बहुत नकारात्मकता से भरी हुई है, मेरी इस बात से कोई भी सहमत नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? अब आप चाहें तो यहाँ पे आगे एक लाइन में वो बता सकते हैं, कारण बता सकते हैं कि आप लोग इसलिए मुझसे इस बात में सहमत नहीं होंगे जो ये जो मुद्दा है जिस मुद्दे पर मैं आज बात करने जा रहा हूँ। मुझे पता है कि जिस पे आज मैं जब मैं इस बारे में कहूँगा, इस मुद्दे के बारे में, वास्तव में इस मुद्दे पे देखा जाए तो दुनिया में या देश में काफ़ी नकारात्मकता है, तो आप काफ़ी लोग मेरी इस बात पे सहमत नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? वो लाइन आप यहाँ पे देख सकते हैं खुद से बढ़ा के, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये आपकी एक और ये दो लाइन। फिर वो कहता है मैनी ऑफ अस आर नॉट अवेयर ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस सर्कमस्टेंसेस एंड द प्रेजेंट सिचुएशन। हमारे में से कई ऐसे लोग हैं जो हमारे आसपास पाई जाने वाली विभिन्न परिस्थितियां जो हमारे देश और दुनिया के लिए खतरा है या अच्छा नहीं माना जाता, उसके लिए हम देखा जाए कि हमारे में से आज के हमारी कुछ परिस्थितियां जो आज के वर्तमान में भी कई लोग इस बारे में जागरूक नहीं है, वो भी आप देख सकते हैं। ये लाइन आपकी तैयार हो जाएगी सी। तो ये देख सकते हैं आपकी चार लाइन, नियर अबाउट चार लाइन यही तैयार हो जाएगी, है ना। और आप उस सिचुएशन को बता भी सकते हैं, यहाँ पे आप उस सिचुएशन को बता दीजिए कि भाई अगर सही मायने में देखा जाए कि हमारे में से कई ऐसे लोग हैं जो वास्तव में जो अभी अभी जो देश दुनिया की वर्तमान जो परिस्थितियां हैं उसमें उसके संबंध में वो लोग जागरूक नहीं है, तो वो स्थिति आप बता सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप चाहे तो उसके बारे में कम से कम एक से दो लाइन यहाँ क्रिएट कर सकते हैं, ये यहाँ से लेके यहाँ तक आप एक से दो लाइन क्रिएट कर सकते हैं, खुद से क्रिएट कर सकते हैं, कोई बड़ा मुद्दा नहीं। और उसके बाद आप यहाँ से शुरू करोगे आई डोंट नो व्हाई वी आर सो नेगेटिव एंड ऑल्सो वी आर नॉट अवेयर ऑफ दिस। मैं नहीं जानता कि हम इतने नेगेटिव क्यों हैं, और मैं ये भी कहना चाहूंगा कि हम वास्तव में ऐसी स्थितियों के बारे में जागरूक भी नहीं, तो वो जो सिचुएशन है वो आप यहाँ बता दीजिए। तो इस तरीके से आपने क्या किया, उस टॉपिक को थोड़ा हाईलाइट किया, उससे क्वेश्चन किया, उसको लॉजिकली थोड़ा एक्सप्रेस किया, उसके बारे में अपनी समस्याएं बताई, नेगेटिव पॉजिटिव का रिस्पॉन्स बताया। इस तरह आपने बहुत अच्छे से नेशनल इंटरनेशनल इशू पे 5-6 लाइनें इन फॉर्मेट की लाइंस की मदद से तैयार कर दिया। अब आगे अपन देखेंगे पार्ट 3 पैरा 3 वेलकमिंग सोशल एंड नेशनल इंटरनेशनल इशू पे जो पार्ट 3 है, किस तरीके से हमें उसे खत्म करना है, एंड करना है, वो आप देखेंगे। अब हम इसके तीसरे पार्ट पे चर्चा करेंगे। इसका जो तीसरा पार्ट है, पार्ट 1 क्लियर हो चुका है, पार्ट 1 यानी पैरा 1, पार्ट 2 यानी पैरा 2 एंड पार्ट 3 यानी पैरा 3। पैरा 3 मतलब पैराग्राफ। तो आप देख सकते हैं कि अब हम इसके जो लास्ट पार्ट स्पीच राइटिंग का, हमने पहला पार्ट एंड सेकंड पार्ट, पहले पार्ट को जो इंट्रो कहते हैं, जिसे इंट्रोडक्शन पार्ट कहते हैं, जिसे हमने बहुत अच्छे से किया। उसके बाद हमने पार्ट 2 यानी पैरा 2, जैसे मिडिल बॉडी मिडिल पेज कहा जाता है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो तकरीबन 50 वर्ड्स का होता है, उसको भी हमने अच्छे से तैयार किया, अच्छे से उसको समझा विद फॉर्मेट। अब जो लास्ट पार्ट है जिसे कंक्लूजन कहा जाता है, क्या कहा जाता है, कंक्लूजन। इस पार्ट को आप देखें, कंक्लूजन का मतलब ये होता है उपसार, मतलब पूरे टॉपिक का जो सार है, जो एंड है, आप उसको कितने अच्छे से एंड करते हो, उस टॉपिक का सॉल्यूशन बता दो कितने अच्छे से उसको एंड करते हो, जिससे कंक्लूजन पूरे टॉपिक का निचोड़ आप निकाल देते हैं, सार बना देते हैं। अब इसका मैंने जो आप देख सकते हैं पार्ट 3 यानी पैरा 3, जैसा कि आपको पता है कि तीन टॉपिक पे हमेशा स्पीच राइटिंग में तीन टॉपिक पे हमारे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आते हैं सीनियर सेकेंडरी में, वेलकमिंग स्पीच पे, यानी कई सारे वेलकमिंग स्पीच है जैसा मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले भी बताया, दूसरा है सोशल इशू एंड तीसरा नेशनल और इंटरनेशनल इशू। तो मैंने इन तीनों के अलग अलग एंड बताए कि आपको इनको तीनों को इनका एंड अलग अलग कैसे करना है। अगर आपका वेलकमिंग स्पीच का एंड है तो इस तरीके से आपको देखना है, ठीक है, और अगर आपका सोशल इशू पे एंड है तो इस तरीके से देखना है, और अगर आपका एंड नेशनल इंटरनेशनल इशू पे एंड है तो इस तरीके से करना है, यानी कंक्लूजन। ओके, तीनों का कंक्लूजन का अलग अलग फॉर्मेट है। पहला देख सकते हैं, पहले का जो फॉर्मेट है, जिसका आप जैसे किसी अच्छे कार्यक्रम मनोरंजन वाला कार्यक्रम, उसका जब कंक्लूजन आप करेंगे एंड करेंगे, तो आपको कुछ परमानेंट लाइन्स के जरिए आप उसको एंड कर सकते हैं, आपको रटने की जरूरत नहीं। तो आप देख सकते हैं मैंने जैसे लिखा है, पहले आप लिख दीजिए बेस्ट विशेज फॉर एवरीवन, आप लास्ट में सबको शुभकामनाएं दे दीजिए। उसके बाद आप लिख दीजिए सो विद अ हाफ राउंड ऑफ अप्लॉज,
आप सबको एक साथ सामूहिक रूप से उनको उनको मतलब उनका कॉन्फिडेंस बिल्ड कर रहे हैं, जो उनको तारीफ कर रहे हैं। और उसके बाद देखिए, सो काइंडली रिमेन सीट अंटिल द एंड ऑफ द प्रोग्राम एंड चीयरफुली सपोर्टेड आवर पार्टिसिपेंट। मतलब बिल्कुल आपने बिल्कुल एक कहते हैं ना, सभ्यता के साथ एकदम बड़े शांति के साथ आपने जो अपनी चेयर पे आपने बैठ के जिस तरह से पूरे प्रोग्राम को आपने शुरू से लेके एंड तक, शुरू से लेके एंड तक बड़ी हंसी खुशी के साथ आपने इस पूरे पार्टिसिपेंट जितने भी कार्यक्रम उसको आपने जो सपोर्ट किया, जो आप यहाँ बैठे उसके लिए आप सबको थैंक यू है। तो आपने इस तरीके से उन सबको एक बार बता दिया और लास्ट में आपने लिख दिया थैंक यू ऑल फॉर बीइंग पेशेंट लिसनर। आपने बताया कि आपने बड़ी धैर्यता के साथ मुझे सुना, उस सबके लिए आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। इस तरीके से वेलकम स्पीच का जो एंड होता है, क्योंकि उसमें सारे अच्छे अच्छे कार्यक्रम होते हैं, नेगेटिविटी तो होती नहीं, अच्छे अच्छे कार्यक्रम होते हैं, तो अच्छे अच्छे कार्यक्रम का जो एंड होगा, कंक्लूजन होगा, वो भी इसी तरह होगा। क्योंकि आप सबने मुझे सुना, इस तरह से पार्टिसिपेंट ने सबने अच्छा परफॉर्म किया, आपने वो किया और सबका इस तरह से थैंक यू हुआ, तो इस तरीके से आपने इसको खत्म किया। फिर आ जाता है सोशल इश्यू का जो कंक्लूजन बनेगा, जो थर्ड पार्ट बनेगा, पैरा थर्ड, वो कैसे बनेगा आप देखिए। सबसे पहले आपने क्या किया, क्योंकि ये आपका सोशल इशू है, आप देख सकते हैं ये सोशल इशू पे है, तो इसको करने का है। सबसे पहले आप देखिए व्हाट कैन यू एंड आई डू, कि आप क्या कर सकते हैं या मैं क्या कर सकता हूँ। फ्रेंड्स, वी कैन क्रिएट अवेयरनेस अमंग द पीपल अबाउट द रेस्पॉन्सिबिलिटी। क्योंकि सोशल इश्यूज का जो कंक्लूजन है, उस कंक्लूजन में आप सोशल मुद्दे तो पहले आपने अवेयरनेस बताई, उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज बताए, उसके होने के कारण बताए पार्ट टू में, मिडिल पेज में। अब एंड में आप क्या कर रहे हैं, एंड में आप इसका सार बता रहे हैं कि अब हमें क्या करना है, अब हमें ये करना है, अब हमें इस तरह के कई सारे मुद्दों पर हमें जिम्मेदारी से और अपने कर्तव्यों को समझते हुए इस जिम्मेदारी को देखते हुए हमें इसके बारे में बहुत कुछ करना पड़ेगा, इसके बारे में हमें आगे बढ़ना पड़ेगा, इसके लिए कुछ करना पड़ेगा। फिर आपने दिया सो व्हाट आर वेटिंग फॉर, अब हम किसके लिए इंतजार कर रहे हैं, अब हमें इसके लिए जागरूक होना है। आगे आप एक प्लान बना के लिख सकते हैं कि अब हम इस चीज के लिए ये करेंगे और हम अब इसके लिए हम तैयार हैं। फिर है वन स्मॉल स्टेप यू कैन चेंज, यदि एक छोटा सा कदम आप आगे बढ़ाएं तो ये छोटा कदम आपको बहुत कुछ बड़ा परिवर्तन कर सकता है। यहाँ पे आगे आपको अच्छा सा कोटेशन भी लिख सकते हैं, कोई अच्छी लाइन भी लिख सकते हैं। और लास्ट में जाके आपको लिखना है थैंक यू वन एंड ऑल फॉर योर पेशेंट, आपको लास्ट में इन सबका आभार जताना है कि भाई आप सबने मुझे बहुत अच्छे से ध्यान से सुना, धैर्यता से सुना, आप सबका इसके लिए आभार और धन्यवाद। तो इस तरह आपका ये सोशल इशू पे जो कंक्लूजन है, जो तीसरा पार्ट है, वो इस तरीके से आपको तकरीबन 3 या 4 लाइन में खत्म करना है। लगभग तो 3 है, लेकिन 3.5-4 लाइन में भी खत्म हो जाए कोई दिक्कत नहीं, पर वो अच्छी से अच्छी लाइन होनी चाहिए। ये जो मैं आपको लाइन्स बता रहा हूँ, ये परमानेंट लाइन्स है, ये ऐसा नहीं है कि मतलब आप उनको देखते हो कुछ और ही लिख रहे हैं, नहीं, आप इन लाइन्स को ही यूज करोगे। अगर आपका टॉपिक वेलकमिंग पे है तो यही लाइन्स रहेगी, सोशल इशू पे तो आप यही लाइन्स यूज कर सकते हैं, और आगे मैं आपको बता रहा हूँ नेशनल इंटरनेशनल इशू पे तो भी वही लाइन्स रहेगी। अब हम चर्चा करते हैं नेशनल और इंटरनेशनल इश्यू पे पार्ट थर्ड। नेशनल और इंटरनेशनल इश्यू पे जो पार्ट थर्ड है बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप देख सकते हैं इसको आप एंड कैसे करोगे, इसका कंक्लूजन कैसे करना, क्योंकि नेशनल इंटरनेशनल इश्यू पे ये टॉपिक रहता है। तो इसका जो एंड है, जो पार्ट थ्री कंक्लूजन क्या रहेगा, आई एक्नोलेज द वाइडर रोल, द मतलब आप क्या करेंगे कि इसमें बता रहे हैं कि मैं इसे समझता हूँ कि ऐसे मुद्दों में किन किन का किन किन की भूमिका बढ़ जाती है। अब आपको भूमिका लिख दीजिए, आप लिख दीजिए वुमन, मैन, या कोई भी तरह के लीडर्स या स्टूडेंट्स, या है ना, आप लिख सकते हैं कि भाई ये लोगों का मुख्य भूमिका निभाने का समय आ गया, मुझे लगता है कि इन लोगों का ऐसे मामलों में मुख्य भूमिका निभानी चाहिए। तो इस तरीके से, क्योंकि ये इश्यूज पे नेशनल इंटरनेशनल इश्यूज पे, तो उसका एंड इस तरीके से होता है कि अब आप लास्ट में बता रहे हैं भाई अब मैं समझता हूँ कि ऐसा ऐसा होना चाहिए, इन लोगों को उठ खड़ा होना चाहिए और अपनी अपनी भूमिका निभानी चाहिए। तो इस तरीके से परमानेंट लाइन आप पूरी यूज कर सकते हैं, यहाँ पूरा यहाँ पर सेटिंग है, और यहाँ पर हो सकता है एक अभी लाइन आप और भी वर्ड लिखते हैं, लेकिन लगभग ये यहाँ खत्म हो जाता है, ठीक है। तो ये देख सकते हैं ये आपकी एक लाइन बढ़िया। उसके बाद सेकेंड है क्रिएट द डेफिनेशन ऑफ दिस एरा, मतलब क्रिएट द डेफिनेशन ऑफ, डेफिनेशन का मतलब ये होता है कि आज के युग को आप बदल के रख दीजिए, मतलब एक नया युग दीजिए, नई पीढ़ी को। तो ये आपने एक लाइन क्रिएट कर दी, सेकंड लाइन बिल्कुल परमानेंट लाइन है, आपको इसमें कुछ नया नहीं डालना, आप इस लाइन्स को डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। फिर सी, लेट्स टेक एन ऑथ टुडे टू मेक द पीपल अवेयर ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ, लेकिन आज हमें एक तरह से शपथ लें कि हम लोगों को जागरूक करें इस
कई इन तरह के मुद्दों पर उनको जागरूक करें, उनको उसको उसकी इंपॉर्टेंस बताएं। इस तरीके से आप ये देख सकते हैं, आप इसकी तीसरी लाइन, इसका कंक्लूजन के रूप में तीसरी लाइन आप खत्म कर सकते हैं। और लास्ट में आप क्या रखेंगे, एट लास्ट आई वुड लाइक टू थैंक ऑल फॉर बीइंग सो सॉलिस्टियस लिसन माय स्पीच। यानी आपने ये मेरी जो पूरी स्पीच को जिस तरीके से आपने सुना, बिल्कुल चिंता में रहे, मतलब आपने मेरी पूरी स्पीच को बड़ी सीरियसली गंभीरता के साथ आपने मेरी स्पीच को सुना, उसके लिए मैं आप सबका तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। इस तरह आप इसकी चौथी लाइन तैयार करेंगे। तो आप देख सकते हैं ये जो फॉर्मेट है, इस फॉर्मेट को आप ध्यान से देखिए। ये पार्ट थ्री जो पैरा थ्री है, एंड जिसे कंक्लूजन कहते हैं, उसका फॉर्मेट है, अलग अलग फॉर्मेट है। ये पहला फॉर्मेट वेलकमिंग के लिए है, कई सारे टॉपिक पे वेलकमिंग पे उसका ये एंड है। ये सोशल इशू का अगर कोई टॉपिक आता है तो उसका एंड है, और ये नेशनल इंटरनेशनल इशू पे कोई टॉपिक आता है स्पीच राइटिंग में, उसका ये एंड है। तो आप देख सकते हैं कि जो पूरा कंप्लीट जो वीडियो आज मैंने बनाया है स्पीच राइटिंग, इसको आप शुरू से लेकर लास्ट तक बिल्कुल प्रॉपर तरीके से देखें, और उसको बकायदा इसके शुरू में इसके जो रूल्स है, कॉन्सेप्ट है ना, फिर उसके बाद जो पार्ट वन, पार्ट टू, पार्ट थ्री में क्या क्या चीज़ें अपने को इन्वॉल्व करनी है, उसको शामिल करना है, उसके बाद मैंने किस तरह से आपको तीनों टॉपिक में वेलकमिंग, सोशल, नेशनल, इंटरनेशनल इशू, तीनों टॉपिक मैंने किस तरह से आपको पार्ट वन, पार्ट टू, पार्ट थ्री बताया, उन सब पर आप गौर करिए, और कुछ इसी तरह से मिलते जुलते टॉपिक पर आप खुद राइटिंग करिए, स्पीच राइटिंग करिए, जिससे आप नो डाउट बहुत अच्छे से तैयार कर पाओगे स्पीच राइटिंग के टॉपिक को 100 to 100 से 110 शब्दों में। लेकिन जरूरी है कि आप प्रैक्टिस करिए, खुद से प्रैक्टिस करेंगे, खुद से सेल्फ प्रैक्टिस करेंगे, टॉपिक को लेंगे, और मेरी इस फॉर्मेट की लाइंस को आप बकायदा यूज करें, पार्ट वन, पार्ट टू, पार्ट थ्री, उन लाइन्स को यूज करते हुए खुद से लाइन क्रिएट करके बनाइए। आप एडिटिंग जो लाइन लिखी है उसमें थोड़ा ऊपर नीचे भी कर सकते हैं। इस तरह आप बहुत इजी तरीके से स्पीच राइटिंग के पूरे पार्ट को समझते हुए किसी भी क्वेश्चन का, बोर्ड एग्जाम में आए हुए किसी भी टॉपिक पर आप स्पीच राइटिंग कर सकते हैं। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बड़ा ईजी तरीका है ये। स्टे एंड सेव एट होम। थैंक यू।